गुड इवनिंग ज्योति। गुड इवनिंग सर। इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा, रिकॉर्डिंग मैसेज गया कि देखो ना एक बार प्लीज। यस सर। ओके ठीक है सर, चलो स्टार्ट करते हैं। कंपनी लॉ का क्लास है और आज एकदम एक फ्रेश सेक्शंस एंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो आज के सेक्शन कंपनी लॉ में आज क्या बात करने वाले हैं सर, मैं आज आपके साथ बात करूंगा। बहुत ही पॉपुलर एक मतलब डे टू डे टॉपिक है, बट इसका कंपनी लॉ प्रोविजन जानना जरूरी है। मतलब टॉपिक का नाम है सर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। ठीक है, मतलब शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर के बारे में कंपनीज एक्ट क्या कहता है। तो काफ़ी वाइटल एरिया है बिकॉज बिजनेस वर्ल्ड में, फाइनेंशियल वर्ल्ड में शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर एक इतना पॉपुलर डे टू डे मैटर है जिसके बारे में एक प्रॉपर लॉ होना बहुत ज़रूरी है ना सर, क्या बोलते हो? शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, डिवेंचर का सिंपल मतलब क्या है? लोन। शेयर कैपिटल का मतलब, हाँ, शेयर कैपिटल मतलब ओन, है ना। मतलब अगर किसी कंपनी को, कोई कंपनी कोई भी पैसा खुद से ओन करता है, कंपनी में जो भी वो पूंजी लगाते हैं, इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। ठीक है, एकदम एक बेसिक मैटर की तरह, लेमैन की तरह समझते हैं। मानो एक सिंपल किसान अपने खेती कर रहे हैं, ठीक है, किसान मतलब फार्मर से, ठीक है, एक फार्मर खेती कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है, तो अपने खेत में पैसा लगाया, ठीक है, बीज बोया, सीड्स जो भी हैं खरीदा, पैसा लगाया, और पैसा लगा के जो फसल उगाना चाहते हैं तो वो उसका इक्विटी है ना सर। अपने पैसे से जितना पूंजी लगा के सीड्स वगैरह परचेस कर रहा है या फिर आगे भी करेगा, कुछ कैपिटल अभी है हाथ में, ठीक है, कुछ कैपिटल रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस में है, मतलब फसल बन रहा है, ऐसा ही होता है ना। सो ये उसका क्या है? इक्विटी है। yes, sir. और जब उसको ज़रूरत पड़ता है लोन का, तो दैट इज डिवेंचर, है ना। किसी इंसान से लोन ले सकते हैं डिवेंचर इशू करके। हाँ, फार्मर्स इशू करेगा, भाई मेरा ज़मीन है, ठीक है, मेरे ज़मीन पे मैं ये फसल उगाता हूँ, मैं चावल उगाता हूँ, मैं आलू उगाता हूँ, मैं स्ट्रॉबेरी बनाता हूँ। आजकल महेंद्र सिंह धोनी रांची में क्या फार्मिंग करता है सर, हाँ जानते हैं आप लोग, स्ट्रॉबेरी उगा रहा है सर रांची में। वैसे रांची का वेदर स्ट्रॉबेरी को सूट करता है बिकॉज रांची में बहुत गर्मी भी नहीं है और बहुत ठंड भी नहीं है, मतलब ठंड के टाइम पे ठंड होता है काफ़ी, बट वेदर कंडीशंस रांची का, झारखंड का कैपिटल है, काफ़ी बेहतरीन है और स्ट्रॉबेरी बना रहे हैं मैक्सिमम। मैं एक देख रहा था उसका फार्म हाउस, बहुत बड़ा फार्म हाउस है उसके रांची के आउटस्कर्ट्स में। सो कोई भी फार्मर बन सकता है, तो महेंद्र सिंह धोनी एकदम प्राउड टू बी ए फार्मर बन गया। तो पॉइंट इज दैट कि चाहे वो कोई क्रिकेटर हो, चाहे सलमान खान भी बहुत अच्छा फार्मिंग करता है, फार्मिंग करते गए और सांप काटा, ये भी खबर में देखा था। यहाँ पर है कोई कोई सलमान का फैन? कौन है रे भाई दबंग का फैन? पता ठीक है, सांप काटा था ना उसको, वो वाला नहीं देखा, पर वो फार्मिंग वगैरह करता है, वो कैसा फैन है। तो सांप काटा वीडियो आया, मैं देखा, बच गया, संगे संग हॉस्पिटल में एडमिट किया था, लेकिन उतना पीस नहीं डाल पाया, ऐसे जहरीला था, हल्का सा जहरीला था कुछ ऐसा सांप। तो जो भी हो, तो फार्मर्स का बहुत सारा एग्जाम्पल्स बड़े लेवल में भी है। अब छोटा मोटा लेवल में मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ और कुछ नहीं, कि भाई आप अपने पैसे से बिजनेस करोगे, ठीक है, या फिर मानो कि कोई आपके बिजनेस में स्टेक लेना चाहता है, ठीक है, वो भी आपका ही पैसा हुआ। जैसे आप लोग आजकल शार्क टैंक बहुत लोगों ने देखा या देखा होगा, है ना। तो शार्क टैंक में आपने देखा किस तरह से लोग बिजनेस प्रपोजल लेके आ रहा है और फिर आके बोलते हैं कि भाई मेरा ये बिजनेस है, आप इस बिजनेस पे कितना पैसा लगाना चाहोगे, ठीक है। तो कोई बोलते हैं कि मेरे को 1 करोड़ चाहिए, कोई बोलते हैं मेरे को 50 लाख चाहिए, कोई बोलते हैं 20 लाख चाहिए। तो 20 लाख के बदले ऐसे ऑफर करते हैं ना, 20 लाख 20% स्टेक, 20 लाख 5% स्टेक, फिर काउंटर करते हैं, है ना। जिनका बिजनेस है वो पहले अपना बताते हैं कि मैं 20 लाख रुपीज रेज करना चाहता हूँ और बदले में 10% स्टेक देना चाहता हूँ, ठीक है। सो मानो कि मेरा कोई बिजनेस है, मैं आपके सामने, आप लोग कौन हो, आप लोग बड़े एंजल इन्वेस्टर्स हो, मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट हो, ठीक है, या प्राइवेट इक्विटी हो, मैं पिच दूंगा आपके सामने जाके, भाई मेरा ये बिजनेस है, अगर आपको लगता है कि मेरे बिजनेस में पैसा लगाना आपके लिए सही है, ठीक है,
या फिर प्रॉफिटेबल हैं, तो फिर आपको बदले में मैं एक ऑफर करूंगा। क्या ऑफर करूंगा कि मेरे को मानो कि बिजनेस करने के लिए 20 लाख चाहिए, और मैं बदले में बोला कि जो भी मेरे को 20 लाख देगा मैं उनको बदले में 5% स्टेक दूंगा। तो आपको भी देखना है कि वो फायदा है कि नहीं आपको उसमें, कि भाई 20 लाख देने के बदले अगर आपको मेरे बिजनेस में 5% मिलता है तो आप बिजनेस का फायदा देखोगे कि भाई सर का जो बिजनेस है इस बिजनेस से क्या 5% के बदले हमें कुछ मिलेगा कि नहीं। तो आप काउंटर भी करोगे, है ना, 20 लाख देंगे तो काउंटर करोगे कि भाई 10%, फिर मैं काउंटर करूंगा 7-8%। तो अगर आपको लगता है कि 5% की जगह 7% में भी आप खुश हो, ठीक है, आपको लगता है वैल्यूएशन है, तो आप पैसा डालोगे। तो ये पैसा आपका हुआ, आपने मेरे बिजनेस पे डाला, बट दैट इज ऑल्सो अ इक्विटी, शेयर कैपिटल हो गया सर। आप बात समझ में आ रहा है ना आपको? ये शेयर कैपिटल क्यों है? बिकॉज ये बदले में स्टेक का बात है। मतलब अगर आप मेरे बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, ठीक है, आप मेरे बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, लेकिन बदले में अगर आपको मैं रिटर्न ना दूं ना, तो आप कुछ कह नहीं सकते लीगली। क्यों? बिकॉज ये ओन कैपिटल का कैरेक्टर ओन करता है। ये जो आपको मैं बोला ना, जैसे मानो कि शिवम ने मेरे बिजनेस में मानो 20 लाख दिया और 5% या 10% स्टेक लिया, तो अगर मैं शिवम को बोला कि भाई बिजनेस मेरा है, ठीक है, अच्छा, और एक चीज भी होता है, देखना आप लोग शार्क टैंक पे देखे होंगे, ठीक है, मतलब बिजनेस में भी आएंगे और साथ में बोर्ड में भी आएंगे, मतलब पैसा भी डालेंगे और बोर्ड का मेंबर भी बनेंगे, मतलब आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मतलब जो बिजनेस को बेसिकली एडमिनिस्टर करता है, तो उनको ऑपरेट करने के लिए वो बोर्ड में आएगा कि नहीं आएगा, ये भी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बिजनेस आपका, आप चलाओ, मैं कैपिटल देता हूँ, बदले में मेरे को रिटर्न दे देना, ऐसा भी देखा होगा आप लोगों ने। यस और नो, प्लीज टेल मी। अरे देखा कि नहीं देखा, बताओ तो सही। देखा है सर, सर इतने सारे बिजनेस में इन्वेस्ट करता, अगर पर्टिकुलर सबको देखते जाता तो आदमी जो कर पागल ही हो जाएगा। हाँ वही बात है कि मतलब आप हर बिजनेस में फोकस शायद नहीं कर पाओ, ठीक है, तो किसी में वो बोर्ड में आते हैं, किसी में वो बोर्ड में नहीं आता है, तो अलग अलग किस्सा देखने को मिलता है। अब ये भी देखना, किसी किसी शार्क टैंक में भी आप लोग अगर, क्योंकि मैं शार्क टैंक का एग्जाम्पल इसलिए बार बार ले रहा हूँ क्योंकि हाल फिलहाल में ये बहुत ज्यादा एक मतलब ट्रेंड सेट किया है। ट्रेंड मतलब बेसिकली एक कॉन्शियसनेस, एक जागरूकता लोगों के मन में बिजनेस को लेके किया है, काफी एंटरटेनमेंट भी रहा है, ठीक है, तो दैट्स वाई, ठीक है, बिकॉज बहुत मसाला डालते हैं वो लोग बिजनेस में, मतलब रियल बिजनेस कितना मसाला डाल के होता है, आई रियली हैव अ डाउट ऑन दैट, ठीक है। हाँ, इस पे मार्केटिंग काफी दिखता है, एक सीन क्रिएट करके स्क्रिप्ट के तरह से देखा जाता है, भले ही वो कितना भी मतलब बोला जाते रियलिटी शो है, बट उसमें भी सर स्क्रिप्ट होते हैं, ठीक है, जानते हो ना, मतलब जाके पब्लिक को अच्छा लगे, वो बैठे रहे, ठीक है, ऐसा भी कुछ होता है, तो जो भी हो, बट अल्टीमेटली बिजनेस हो जाए, जिनके भी बिजनेस में पैसा लगाया सच में वो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए, ये हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगा सर, तो दैट्स ओके। तो सर यहाँ पर आप लोग ये भी देखे होंगे कि किसी किसी केस में वो लोग ना लोन भी दिया है, मतलब डिबेंचर, ठीक है, डिबेंचर मतलब वो लोन है, बदले में इंटरेस्ट लेगा, मतलब मानो कि अगर मैंने शिवम मेरे बिजनेस पे स्टेक लिया, से फॉर एग्जाम्पल सोमपद बोल रहे सर मुझे आपके बिजनेस में स्टेक लेने का इंटरेस्ट नहीं, बट मैं आपको लोन देने के लिए रेडी हूँ, आपको जरूरत है, मैं बोला 10 लाख का डिबेंचर इशू करना चाहूंगा, ठीक है, तो 10 लाख के डिबेंचर के बदले आप मुझे मतलब 10 लाख मैं आप मुझे देंगे, बदले में मैं आपको 12-15% रिटर्न के लिए आप आ सकते हो, बिकॉज 12-15% रिटर्न काफी अच्छा रिटर्न है सर, ठीक है, इट्स अ स्टैंडर्ड म्यूचुअल फंड रिटर्न की तरह है, और कई बार 20% इंटरेस्ट भी लग जाता है, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, ऐसे कॉमर्शियल वर्ल्ड में, कॉमर्शियल पेपर के थ्रू से, फाइनेंशियल वर्ल्ड में मतलब मनी मार्केट सेगमेंट में, कॉमर्शियल पेपर के थ्रू से ऐसे एक कंपनी दूसरे कंपनी को भी इस तरह का लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब जो कैलकुलेशन एरिया है या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, बेसिकली ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, और कैपिटल स्ट्रक्चर का डिटेल्स कैलकुलेशन टेक्निक या डिसीजन मेकिंग किस सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है बोलो तो सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा जाता है। तो जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लास करते हो ना, वहाँ पर आपको मैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग में ये सब डिवेंचर इक्विटी इसका कैलकुलेशन पार्ट बताऊंगा। तो फिर सर आज क्या बताने वाले हो? सर आज मैं आपको इसका लीगल पार्ट बताने वाला हूँ कंपनी लॉ में। तो चलो मैं आपको कंपनी लॉ में कैपिटल स्ट्रक्चर में मतलब शेयर कैपिटल और डिवेंचर में क्या लीगल मैटर कंपनी एक्ट 2013 आपको सिखाएगा, वो आप जान लो सर, ठीक है। चलो सर स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और आप मैटर पे ध्यान दो, फिर मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, क्योंकि ये बिजनेस में जैसे मानो कि मैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, अलग अलग कंपनी का शेयर्स दिखेगा आपको, भारती एयरटेल, HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर दिखाई दे रहा है ना सर, ठीक है।
अगर मैं भारतीय एयरटेल को उठाता हूँ यहाँ से, ठीक है, भारतीय एयरटेल आप लोग जानते हो टेलीकॉम सेगमेंट में एक अच्छा बिजनेस है, एक से फॉर एग्जाम्पल इसके फाइनेंशियल्स में एक बार जाता हूँ फटाक से, तो फाइनेंशियल्स में चला गया और मैं आपको थोड़ा सा बैलेंस शीट में लेके जाना चाहूँगा। और बैलेंस शीट में आप अगर लाइबिलिटी साइड में एक बार देखोगे, अब इसका लोन एरिया देखो एक बार, मतलब तो एक्चुअली क्या होता है, कैपिटल और लाइबिलिटी एक तरफ होता है और एसेट एक तरफ होता है ना सर। तो जस्ट लुक एट दी लाइबिलिटी साइड, करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी, ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटी, अदर लाइबिलिटी, क्या आप लोग दिखाई दे रहा है सर? जस्ट लुक एट योर अदर लाइबिलिटी। यस सर। हाँ, अदर लाइबिलिटी कितने का है एयरटेल का देखो, लॉन्ग टर्म में है 15,885 करोड़ का, दिख रहा है ना सबको? हेलो, यस सर, ऑलमोस्ट 16,000 करोड़। ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ का इसका अदर लाइबिलिटी दिख रहा है, मतलब जो बिजनेस लाइबिलिटी है एक्चुअली, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन है और जो लाइबिलिटी इनके खाते में दिख रहा है। करेंट लाइबिलिटी कुछ है कि नहीं देखते हैं, अदर करेंट लाइबिलिटी, अच्छे बाप रे बाप, भयंकर है सर, 73,000 करोड़, भयंकर भयंकर लाइबिलिटी है, 73,611 करोड़। सर एसेट देख लेते हैं एक बार, सर करेंट एसेट्स का सिचुएशन देखोगे तो 54,000 करोड़ का करंट असेट्स है, बट करंट लाइबिलिटी उससे ज़्यादा है, और नेट प्रॉपर्टी प्लांट वगैरह जो है वो अच्छा है सर, असेट्स अच्छा है, 1,21,007 करोड़ का असेट्स है इनके पास, गुडविल भी है 1,08,198 करोड़ के आसपास का, सो इट्स साउंड गुड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 23,472 करोड़ का है, ठीक है। सो इससे आपको एक चीज़ पता चलेगा कि अच्छा बिजनेस के पास एसेट्स हैं पर लाइबिलिटी कुछ कम नहीं है, बहुत लाइबिलिटी है सर, टू मच लाइबिलिटी बिजनेस को खत्म कर सकता है। हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको वोडाफोन आइडिया में लेके जा सकता हूँ, वी वी का हालत आप लोगों ने देखा होगा, अरे सुना तो होगा, ये जो मैं आपको साथ बात कर रहा हूँ ना सर, ये सब फंडामेंटल एनालिसिस में पढ़ा जाता है, ठीक है, शेयर मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस में या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लास में भी, लेवरेज वगैरह में, कैपिटल स्ट्रक्चर में, मैं ये सब मैटर में डिस्कस करता रहता हूँ, ठीक है। तो ये सब डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज इसका लीगल मैटर के साथ आपको मैं जोड़ना चाहता हूँ। जैसे फाइनेंशियल्स में मैं यहाँ पर वोडाफोन आइडिया में आ गया, आपको अगर मैं वोडाफोन आइडिया में दिखाऊँ, इसका भी लाइबिलिटी बहुत भयंकर होगा, इसका हालत तो सर एयरटेल से भी भयंकर है, मैं थोड़ा बैड हालत इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है, लेकिन कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, शेयर कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है और शेयर कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है, जैसे शेयर कैपिटल भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है, और लाइबिलिटी भी आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। तो ये देखो, ये बैलेंस शीट में आ गए हम लोग, बैलेंस शीट में करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी, ये एक्चुअली समरी है, ये रियल बैलेंस शीट है नहीं, इसके लिए आपको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में जाना होगा, ठीक है। अगर आप एनुअल रिपोर्ट में जाओगे तो आपको पूरा बैलेंस शीट दिखाई देगा और उस बैलेंस शीट से आप कंपनी का एसेट लाइबिलिटी कैपिटल स्ट्रक्चर सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक बार आपको मैं लाइबिलिटी साइड इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज लाइबिलिटी काफ़ी दिलचस्प है, मतलब काफ़ी खराब हालत है। नॉन करेंट में इसका मतलब, नॉन करेंट मतलब करेंट, नॉन करेंट मतलब लॉन्ग टर्म, सर 1,75,303 करोड़, ये वोडाफोन का नॉन करेंट लाइबिलिटी दिखाई दे रहा है सर, और करेंट लाइबिलिटी में इनका अदर करेंट लाइबिलिटी में 46,000 करोड़ का करेंट लाइबिलिटीज हैं, सो जो बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी है सर, ठीक है। एसेट के हिसाब देखो तो सर करंट एसेट ऑन दी 14,000 करोड़ का है और नॉन करंट एसेट 1,89,000 करोड़ का है और नॉन करंट लाइबिलिटी 1,75,000 करोड़ का है, जो बिजनेस के लिए बहुत ही खतरनाक हालत है वोडाफोन आइडिया के लिए। अब देखो क्या होता है, कैसे सरवाइव कर पाते हैं, सो इट्स अ ह्यूज थिंग, लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बेसिकली लीगल मैटर, ठीक है। आपको यहाँ पर फाइनेंस का कैलकुलेशन टेक्निक में भी कुछ नहीं बात करूंगा आपके साथ, मैं आपके साथ प्योरली लीगल मैटर में बात करने वाला हूँ, दैट इज कंपनी लॉ में शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर के बारे में आपको जानकारी आज मिल जाएगा, मतलब आज नहीं, अभी चलेगा एक दो क्लास और। ऐसे अगर मैं आपको थोड़ा समरी बताऊँ, इसमें आपको मेनली क्या क्या सीखना है और क्या सीखने को मिलेगा, एकदम बेसिक से लेके हार्ड कोर एरिया हर एक मैटर पर डिस्कस करने वाला हूँ सर, बने रहिएगा इस क्लास के साथ, और इस अगर मिस हो जाए तो रिकॉर्डेड भी देख लीजिएगा, लेकिन इतना मैं बोलूँगा कि आपको हर एक लीगल मैटर, स्पेशली अगर आप चार्टर्ड स्टूडेंट हो, अगर आप CS हो, अगर CMA हो, तो आपके लिए बहुत ही वाइटल एरिया है, नो अबाउट द काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, कितना तरह का शेयर कैपिटल है इसका जानकारी लेना है आपको, एक्सप्लेन द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है,
वोटिंग राइट्स के ऊपर बात है, वेरिएशंस ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स, एक्सप्लेन कॉल्स एंड अनपेड शेयर्स, ठीक है, जो अनपेड शेयर्स या कॉल अमाउंट के बारे में आप लोग क्लास 11 12 लेवल में भी आप लोग पढ़ाई किए होंगे कंपनी अकाउंट्स में, है ना, वहां तो पढ़े होंगे कैलकुलेशंस में, अकाउंटेंसी में देखे होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको इसका लीगैलिटी के बारे में पता चलेगा, मतलब कौन सा सेक्शंस में क्या बोला है। नो अबाउट द टाइम पीरियड परमिटेड फॉर डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटीज, अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सर कहीं पर ऐसे होते हैं शेयर प्रीमियम में इशू होता है, होता है कि नहीं होता? अरे बोलो, बचपन में भी देखे हो और वास्तव में भी देखे हो, मतलब बचपन में स्कूल लेवल में अकाउंट्स करने के टाइम पे 10 का शेयर 12 में इशू होता था तो 2 टका क्या है? अरे बोलो, 10 का शेयर जब 12 में इशू होगा तो 2 टका क्या है? प्रीमियम। प्रीमियम, थैंक यू सर। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो बनता है इसका हिसाब किताब क्या है, इसको कहाँ कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, प्रीमियम में जो पैसा पड़ा होता है वो कब उसको यूटिलाइज करना चाहिए, इसका पूरा लॉ आपको जानना चाहिए, ठीक है, तभी तो कंप्लायंस पता चलेगा आपको। ऐसा नहीं कि हर एक फंड को इधर उधर जहाँ मर्जी लगा दें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर एक फंड का एक लीगैलिटी होता है, जिस चीज़ को कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। लॉ तभी ना है। आइडेंटिफिकेशन प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट में शेयर इशू करने के बारे में कुछ पाबंदी है क्या, उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। अंडरस्टैंड द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, पसीना पसीना बहाने का शेयर्स के बारे में जो एम्प्लॉय को दिया जाता है उसका डिटेल जानकारी चाहिए आपको, कि जब एम्प्लॉय बहुत मेहनत से एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं, डेवलप करते हैं, तो बदले में उनको स्वेट इक्विटी शेयर्स मिलता है जो उनको एक एक तरह का सस्ता में दिया जाता है, कई बार मुफ्त में भी दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो भी दिया जाता है उसका क्या रूल्स रेगुलेशंस है। रिडेम्पशन ऑफ इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जैसे इक्विटी शेयर्स होते हैं वैसे प्रेफरेंस भी होते हैं, जो थोड़ा प्रेफर्ड हालत में कंपनी में शेयर देते हैं, प्रेफर्ड मतलब बेनिफिट के लिए वो बेसिकली आते हैं, ठीक है, मतलब उनको रिटर्न चाहिए। नॉर्मल इक्विटी वाले को क्या है ना रिटर्न का, इक्विटी वाले रिटर्न मैंडेटरीली नहीं मांग सकते, बट प्रेफरेंस वाले रिटर्न मैंडेटरीली मांगते हैं। ये थोड़ा ना हाइब्रिड नेचर के होते हैं, हाइब्रिड नेचर मतलब प्रेफरेंस के अंदर इक्विटी का भी कैरेक्टर होता है और बोलो सर, प्रेफरेंस के अंदर इक्विटी का कैरेक्टर होता है और साथ में डिबेंचर का, थैंक यू सर, ये पहले भी मैं क्लास में बोला आप लोगों को। क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, सर एक कैपिटल रिडेम्पशन करने का एक रिजर्व अकाउंट भी बनाया जाता है, ये सब अकाउंटेंसी में आप लोग मैम के क्लास में करते होंगे, है ना सर, करते कि नहीं करते, है ना, ये सर मैम के अकाउंटेंसी में मैम ये सब चीज आप लोगों को कैलकुलेशंस करके सिखाते हैं, ठीक है। किसी का अनम्यूट है क्या, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है थोड़ा, शिवम का है, नहीं शिवम का तो पता नहीं, बहुत जोर से कुछ आवाज है, ठीक है, मतलब जब पूछे तब बात करना और बाकी टाइम में बैकग्राउंड नॉइज के लिए थोड़ा सा म्यूट अनम्यूट का ध्यान दीजिएगा और कुछ नहीं, बिकॉज क्या है ना बाद में रिकॉर्डिंग में बहुत लोग सुनता है तो दिक्कत हो जाता है। अच्छा और क्या जानेंगे सर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के बारे में भी बात करना है। नो अबाउट द ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के बारे में आपको इसमें पता चलेगा। रिफ्यूजल टू रजिस्टर एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल, ठीक है, अपील भी कर सकते हो। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, नोटिस टू रजिस्टर देयर ऑफ, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। सर यहाँ पर मैं आपको इशू ऑफ बोनस शेयर्स, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, बायबैक, ठीक है, ये सब स्पेशल सिचुएशंस के बारे में ही बात करूंगा जो शेयर मार्केट में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शेयर मार्केट का जो लोग क्लास करते हो जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, वहाँ पर ये सब पॉइंट में डिस्कस होता है सर, बोनस शेयर इशू करने से क्या होता है, इसमें शेयर में क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। कंपनी अचानक डिक्लेयर करता है कंपनी बोनस डिक्लेयर करो, तो जैसे ही किसी ने सुना कि कंपनी बोनस दे रहा है ना, लोग एकदम भगदौड़ मचा देते हैं मार्केट में और शेयर खरीदना लगता है। लेकिन बोनस का क्या लीगलिटीज है, क्या लीगल कॉन्सेप्ट है, यू हैव टू नो दिस हियर, ओके। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कंपनी अपना शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं, बाईबैक कर सकते हैं, ठीक है, इसके पीछे क्या रेस्ट्रिक्शंस है, क्या एप्लीकेशंस है, यू हैव टू नो दिस। नो अबाउट द इशू ऑफ डिबेंचर एंड क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट, जैसे शेयर कैपिटल रिडेम्पशन है वैसे ही डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए भी कंपनी को रिजर्व बनाना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो जरूरत के टाइम पे जब रिडेम्पशन करना होता है ना, जब जिसका जिन्होंने लोन दिया आज कंपनी को, ठीक है, उनको लोन वापस करने के टाइम पे अगर कंपनी के पास प्रॉपर रिजर्व नहीं रहेगा तो फिर उनका पैसा तो मारा जाएगा, है ना। तो इसके लिए कुछ रूल्स है,
आइडेंटिफाई दी पनिशमेंट एंड पेनल्टीज फॉर वेरियस ऑफेंस इंक्लूडिंग इंपर्सोनेशन, ठीक है। तो ये सभी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या पेनल्टी होते हैं, किस तरह से ऑफेंस के ऊपर बेस करके कार्रवाई किया जाता है, एवरीथिंग। तो शेयर कैपिटल डिवेंचर का अगर मैं पूरा सेक्शंस के हिसाब से 2013 एक्ट कंपनीज लॉ, कंपनी लॉ या कॉर्पोरेट लॉ जो भी नाम से पुकारो, ठीक है, कॉर्पोरेट लॉ कंपनी लॉ में शेयर कैपिटल डिवेंचर का डिस्कशन सेक्शन 43 से 72 के बीच में किया गया, ठीक है, मतलब 43 से लेके 72 का पूरा एरिया मेनली इस मैटर पे या मुद्दे पे बात करता है, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्स के बारे में 43 से 70 एंड डिवेंचर के बारे में 71 और 72 में कुछ मिसलेनियस एरिया है, आई विल डिस्कस लेटर, ओके। 43 से लेके 70 का बात पहले करेंगे और फिर आपको मैं डिवेंचर के बारे में बात करूंगा। तो पहले शेयर कर लेते हैं फिर डिवेंचर के बारे में बात कर लेंगे। ओके सर, सुन लिया आपका पूरा का पूरा इंट्रो, अब आगे बताओ। हाँ सर बोलो, कुछ बोल रहे हो? टोटल 30 सेक्शन है, बड़ा चैप्टर। यस सर, बड़ा चैप्टर है, काफी काफी सारा सेक्शन इसके अंदर है और जो मार्केट को ऑपरेट करने में कंपनी लॉ में बहुत बड़ा काम करते हैं। सो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, ये जो शेयर कैपिटल है, डिवेंचर है, जो मैं आपको शुरू में बोल रहा था कि किसान, मैं किसान का एग्जांपल इसलिए लिया था बिकॉज पैसा का जरूरत सबको है और हमारे फार्मर्स को भी है, लेकिन क्या इसमें फार्मर्स का कोई कॉन्सेप्ट है? नहीं सर, यहाँ पर फार्मर्स का कोई ऐसे कॉन्सेप्ट है नहीं, बट एक आम तौर पर समझने के लिए मैं आपको एक फार्मिंग का एग्जाम्पल दिया था कि किसान अपने पैसे से जो कर रहा है वो भी उसके लिए एक फाइनेंस है। फाइनेंस का मतलब होता है पैसा का जुगाड़, ओके। फाइनेंस का सिंपल मतलब होता है प्रोक्योरमेंट, ओके सर, प्रोक्योरमेंट ऑफ मनी, ठीक है, डोंट नीड टू राइट, जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। ये सब एफएम में जब पढ़ोगे ना डिटेल्स में बताऊंगा फाइनेंस क्या है, बट करेंटली इतना जान लो कि फाइनेंस के लिए ये लॉ बना है, ठीक है। तो फाइनेंस का मतलब होता है प्रोक्योरमेंट करना, मतलब जुगाड़ लगाना, ठीक है। और प्रोक्योरमेंट क्यों करते हैं? इन्वेस्ट करने के लिए। आज जुगाड़ लगाओ, कल इन्वेस्ट करो, ठीक है। कहीं से जुगाड़ लगाना है और फिर कहीं पर इन्वेस्ट करना है। जुगाड़ लगाने का कई सारा तरीका, ठीक है, जैसे कि एक हो गया शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में दो पॉपुलर नाम तो आप लोगों ने जाना ही है, एक इक्विटी बचपन से सुनते आ रहे हो और दूसरा प्रेफरेंस, और एक हो गया लोन, ठीक है, जिसमें पॉपुलर नाम क्या है, ये शेयर कैपिटल है और ये लोन है। लोन मतलब जैसे एक तो बैंक लोन तो होता ही है, डिवेंचर इज अ वेरी पॉपुलर नेम, डिवेंचर। हां बोलो, कन्वर्ट बॉन्ड को भी क्या इसमें कंसीडर करेंगे? यस यस यस, आप कंसीडर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज़ बॉन्ड डिवेंचर ये दोनों सेम चीज है, ठीक है, सेम कांसेप्ट है। नॉर्मली गवर्नमेंट इशू करने से बॉन्ड कहा जाता है, बट हां प्राइवेट कंपनी भी बॉन्ड डिवेंचर दोनों बोलते हैं, ठीक है। रियल में प्रैक्टिसेस क्या होता है, मार्केट में जो ट्रेड होता है वो बॉन्ड ही ट्रेड होता है। डिवेंचर कंपनी मार्केट में अचानक से इशू करता है और वो मार्केट ट्रेड ना भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने रिसेंटली सुना होगा HDFC ने बॉन्ड इशू किया कि डिवेंचर इशू किया? बॉन्ड, बॉन्ड सर, 50,000 बॉन्ड इशू किया, 50,000 करोड़ का HDFC ने बॉन्ड इशू किया। तो टाइप ऑफ ऐसे डिवेंचर के बारे में भी आपको पता चलेगा, NCD इशू करता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मुझे याद आ रहा है SBI कार्ड, कार्ड डिवेंचर इशू। ये देखो सर, ये आपको एक खबर है, लास्ट ईयर का है, 2,000 करोड़ का, ठीक है। SBI कार्ड जो आपको, आप लोगों को पता होगा, जैसे हमारे यहाँ पर वीजा मास्टर कार्ड भी चलता है, वैसा ही आजकल टेक्नोलॉजी SBI कार्ड का भी आ गया, ठीक है। SBI कार्ड अपना टेक्नोलॉजी बनाया है और ये काफी अच्छा बिजनेस भी दे रहा है आजकल। तो NCD मतलब सर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, ठीक है, ये लास्ट ईयर किया था नवंबर में 2021 में, मतलब बहुत पुराना बात है नहीं, 4-5-6 महीने पुराना होगा हार्डली, ठीक है। तो ऐसे और भी आपको मार्केट में खबर मिलेगा रिसेंट, कौन डिवेंचर इशू किया नहीं किया। तो बॉन्ड डिवेंचर ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न का ही है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कितना फर्क है नहीं है, ठीक है। तो चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ रनिंग द अफेयर्स ऑफ ए कंपनी एंड कैन बी रेज्ड इंटर अलिया, मतलब इसके साथ जुड़े हुए, बाय इशूइंग शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ठीक है। शेयर डिवेंचर इशू करेगा और बदले में बिजनेस को चलाएगा। फाइनेंस क्या है? बिजनेस का लाइफ ब्लड है। जैसे हमारे शरीर में खून रहेगा तभी शरीर दौड़ सकता है, यस और नो? अगर शरीर में खून नहीं तो शरीर चलेगा क्या? विदाउट ब्लड हमारा शरीर चल सकता है? नो, एग्जैक्टली, विदाउट फाइनेंस बिजनेस भी नहीं चल सकता, नहीं चल सकता सर, ठीक है। बिजनेस को पैसा चाहिए सर। जैसे आप लोगों ने देखा श्रीलंका का हालत, मैंने रिसेंटली एक इकोनॉमिक्स क्लास लिया,
फाउंडेशन लेवल में, वहां पर श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस में भी मैंने डिस्कस किया, स्टूडेंट ने पूछ रहे थे तो फिर मैंने बता दिया, ठीक है। तो मैं पूरा केस स्टडीज ही कर दिया कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, ठीक है। तो वो भी फाइनेंस का ही इशू है, वो नॉर्मल बिजनेस का बात था, वो श्रीलंकन गवर्नमेंट का बात था, ठीक है। गवर्नमेंट क्यों फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ गया, ठीक है। और जब से श्रीलंका का बात चालू हुआ है, तब से भारत का भी कुछ स्टेट को लेके बहुत कंसर्न चालू हो गया है। आपको बता दूं जानकारी के लिए, प्राइम मिनिस्टर ने भारत के सारे बड़े बड़े सचिव से, मतलब सेक्रेटरी जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इनके साथ बातचीत किया, मीटिंग बुलाया, श्रीलंकन क्राइसिस के बाद ही तुरंत एक मीटिंग बुलाया और भारत के फ्यूचर के बारे में पूछा कि श्रीलंका जैसे हालत क्या भारत में हो सकता है। और आजकल आप देखोगे कि पॉलिटिक्स चल रहा है इस तरह का मैटर को लेके कि श्रीलंका जैसा हालत भारत में हो सकता है, इसको लेके इवन कुछ स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स भी इसको लेके बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा चलता जाए तो श्रीलंका जैसा सिचुएशन भारत में भी हो सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर्स ने उसके ऊपर एक फुल प्रूफ मीटिंग बुलाया था अपने प्राइम मिनिस्टर सदन में, और फिर वहां पर पूरा खबर ले रहे थे सभी से कि आप बताइए कि भारत का फ्यूचर किधर जा रहा है और किसका हालत कैसा है। तो मैं यहाँ पर 5-6 स्टेट के बारे में आपको बात कर सकता हूँ जिसका हालत श्रीलंका जैसा ही है सर। मतलब जैसे श्रीलंका का मार्केट में मतलब तो बहुत सर, ऑलमोस्ट ऑल अप्रोक्स 7-8 लाख करोड़ के आसपास का लोन है। बहुत ही छोटा सा एक नेशन है सर, 7-8 लाख करोड़ लोन, इतना ज़्यादा बर्डन हो गया, ऊपर से इसका बिजनेस हालत खराब हो गया है। जैसे इसका बिजनेस में सबसे टॉप बिजनेस है टी, ठीक है, चाय एक्सपोर्ट करके बहुत कमाई होता है, एंड सेकेंड बेस्ट में आता है सर टूरिस्ट, ठीक है, जो फॉरेन लोग यहाँ पर घूमने आते हैं श्रीलंका में। इसका भी हालत कोरोना पीरियड में बहुत ज़्यादा खराब हुआ है, अभी भी बेहतर नहीं हुआ है बिकॉज अभी भी कोरोना गया नहीं है सर, ये मानना गलत होगा कि कोरोना चला गया, ठीक है। सो टी, टूरिस्ट, ऐसे चीज़ों का इतना ज़्यादा भयंकर हुआ है, और ऊपर से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर ऑर्गेनिक, यही मेनली सबसे मेन कारण यहीं से चालू हुआ है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इन्होंने श्रीलंकन गवर्नमेंट ने सोचा था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कराएगा। मैं आपको 2 मिनट में एक बार श्रीलंकन क्राइसिस फाइनेंशियल क्राइसिस है इसलिए बता दे रहा हूँ कि कितना लाइफ ब्लड होता है, चाहे वो बिजनेस हो या फिर कंट्री, ठीक है। किसी भी कंट्री के लिए फाइनेंस एक लाइफ ब्लड होता है, और फाइनेंस का फ्लो कम हो जाए ना तो बिजनेस क्यों, हर चीज फेलियर हो सकता है, ठीक है। और बिजनेस फेलियर मतलब अल्टीमेटली कंट्री फेलियर, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का केस क्या है, 2 मिनट में सुन लो, डिटेल्स जानकारी के लिए आप इकोनॉमिक्स क्लास रेफर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं इकोनॉमिक्स क्लास भी शेयर कर दूंगा, ऐसे भी आजकल यूट्यूब बहुत सारा वीडियोस आपको देता है, यूट्यूबर बहुत फेमस है, बट आप चाहो तो डिटेल्स जानकारी ले सकते हो, इकोनॉमिक्स वीडियो है अलग से, मतलब वहां पर इकोनॉमिक्स क्लास में मैंने डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट में बताया था। तो पॉइंट इज दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग का डिसीजन लिया था, मतलब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया था कि उसके देश में, श्रीलंका की कंट्री में, कि वो वर्ल्ड का पहला ऐसा कंट्री बनना चाह रहा था जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा, मतलब बायो फार्मिंग, ठीक है, जो एक तरह से बहुत ही अच्छा कदम है सर। पूरा दुनिया को एक ना एक दिन ऐसे सिस्टम में शिफ्ट होना चाहिए, बट ये जो टाइम था, ये टाइम गलत हो गया इनके लिए। क्यों गलत हो गया सर? इसलिए बायो फार्मिंग का टाइमिंग गलत हो गया बिकॉज बायो फार्मिंग श्रीलंका इसलिए कर सकता था, श्रीलंका का पॉपुलेशन प्रेशर बहुत नहीं है सर, 2.19 करोड़ समथिंग, ओके, सो फीजिबल है, इतना पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, और बायो फार्मिंग करके वो अपने कंट्री को एक बेहतरीन खाना प्रोवाइड कर सकते हैं। बट मुश्किल ये हो गया, कोरोना हो गया, और कोरोना से भी बात क्या है, कोरोना से पहले क्या हुआ कि ये बायो फार्मिंग के लिए जो बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं, बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर महंगा होता है ना, तो बायो फर्टिलाइजर को फाइनेंस करने के लिए सरकार से सब्सिडी होना चाहिए था, मतलब वहाँ का जो लोकल फार्मर्स है, ठीक है, चाहे टी का फार्मर्स हो या दूसरे जो भी फूड प्रोडक्ट राइस फार्मर्स हो, ठीक है, टी राइस मतलब पैडी फार्मर्स, ठीक है, इनको बायो फर्टिलाइजर के लिए पैसा का जरूरत था, फाइनेंस का जरूरत था। सो और बायो नॉर्मल जो आपका केमिकल फर्टिलिटी होता है सर, केमिकल से बायो फर्टिलाइजर का दाम 10 गुना ज्यादा होता है, 10x ज्यादा, 10 टाइम्स मोर। सो ऐसे हालत में गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए था, बट गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं करवाया, ठीक है, कि अगर बायो में शिफ्ट हो रहे हैं तो फिर केमिकल के जगह बायो में शिफ्ट होना है तो फिर उसका भुगतान कौन करेगा, सरकार कितना हेल्प करेगा, प्रॉपर वे में ऐसा कुछ प्रॉपर हुआ नहीं। दूसरा बात है कि ये तो चल ही रहा था, काफी प्रोटेस्ट भी चल रहा था, बीच में कोरोना टपक पड़ा,
और जैसे ही कोरोना टपक पड़ा इंटरनेशनल इंपोर्ट बंद हुआ और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने टोटल में यूरिया बैन कर दिया, मतलब यूरिया का इंपोर्ट ही बैन कर दिया सारे के सारे वर्ल्ड से। और जब कोरोना चालू हुआ उसके बाद थोड़ा बहुत जैसे जैसे ठीक हो रहा था यूरिया बैन को हटाया, बट यूरिया का दाम इंटरनेशनल मार्केट में ड्यू टू कोविड एंड अनदर रीजंस दाम बढ़ गया था। तो पूरा का पूरा जो फूड क्राइसिस सिचुएशन चालू हुआ वो चालू हो गया। ऊपर से टूरिस्ट आने के कारण जो उसको फॉरेक्स रिजर्व मिलता था वो रिजर्व भी बंद हो गया, एक्सपोर्ट बंद हो गया उनका प्रोडक्ट का, स्पेशली टी कॉफी जैसे चीजों का। सो प्रॉब्लम और बढ़ता गया, मल्टीप्लाई होता गया। तो एक टोटल फेलियरिटी ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला। और इसका मेन रीजन क्या रह गया सर? वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम। क्या आपको बात समझ में आया? तो सिमिलर पैरामीटर में वेस्ट भारत का कुछ स्टेट्स का नाम मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा जिसका हालत बहुत ही खराब है, ठीक है? जैसे कि 5-6 स्टेट है जो बहुत ही खराब अप्रोच ले रहे हैं, जैसे कि पंजाब 2.5 लाख करोड़ का फ्री स्कीम बांट रहा है, दिल्ली इनकम अच्छा है बट इसका भी स्कीम खतरनाक है, ठीक है? ऐसे इसका इनकम बहुत अच्छा है, जीडीपी हाई है सर, ठीक है सर। तीसरा है सर हमारा बंगाल, कंगाल ना हो जाए, ठीक है, वेस्ट बंगाल सर ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ के, 5 से 5.5 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट लायबिलिटी है, ठीक है? अब डिटेल्स के लिए आप जानकारी गवर्नमेंट साइट से भी ले सकते हो, ठीक है? अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा फ्री वीज है सर, बहुत ज़्यादा, ठीक है? मतलब ये फ्री में वो फ्री में इतना ज़्यादा फ्री का चक्कर में ना मुश्किल हो सकता है। तेलंगाना का भी हालत थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब है, ठीक है? तो एक तेलंगाना का भी सिचुएशन है। तो ऐसे 4-5 स्टेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा फ्री का राजनीति चल रहा है, और फ्री के राजनीति में मुश्किल क्या है? श्रीलंका ना हो जाए, ठीक है? तो फाइनेंस सर लाइफ ब्लड है, और फाइनेंस रुक जाए ना मुश्किल हो सकता है। आई होप कि आपको एक आइडिया लग गया कि फाइनेंस कितना ज़रूरी है और क्यों ये लाइफ ब्लड है, जो श्रीलंकन क्राइसिस से दुनिया को सीखना चाहिए। इवन बांग्लादेश में भी ऐसे सिचुएशंस हो सकता है बोल के कुछ इंटरनेशनल रिसर्च सामने आ रहा है, ठीक है, लेकिन आई होप कि ऐसा ना हो। लेकिन सर अगर बैड पॉलिटिक्स चले तो हो सकता, तो बैड पॉलिटिक्स को समझने का नॉलेज इंडियंस में होना चाहिए, ये बात होना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट करे चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट करे, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट को पब्लिक को देना चाहिए, फाइनेंस दो बट फ्री में, जैसे मानो कि जैसे दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है, मैं दिल्ली गवर्नमेंट का एग्जाम्पल दे सकता हूँ, केजरीवाल सरकार का। दिल्ली गवर्नमेंट, आप सरकार क्या कर रहे हैं? फ्री में बिजली, फ्री में पानी, हाँ सर आप लोगों ने सुना होगा, इसी तरह से केजरीवाल ने जीता भी है दिल्ली में, ठीक है, फ्री, इवन वोमेंस के लिए बस का फेयर भी फ्री है लेडीज के लिए, इसका खतरा नहीं समझते आप लोग। अच्छा आप मुझे बताओ, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सबके लिए, ठीक है, या फिर फ्री वाटर, ठीक है, अरे कुछ तो कॉस्ट उठाओ, फ्री बस फेयर फॉर वोमेन, क्या मतलब है? क्यों देना है फ्री में बस फेयर? सर वोट का बात नहीं कर रहे यहाँ पर, हम यहाँ पर देश का फाइनेंस समझना है, स्टेट का फाइनेंस समझना है कि वाई फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका आर्थिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है बिकॉज जितना आप फ्री करते हो गवर्नमेंट के ऊपर उतना लोड पड़ता है, और हमारा टैक्स का पैसा एक्चुअली इतना ज़्यादा फ्री में यूज हो रहा है जिसका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी सारा प्रोजेक्ट चलाते हैं, जैसे कि एक चलाते किसान सम्मान बोल के, आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं, किसान सम्मान जिसमें किसानों को सब्सिडी दिया जाता है, हर एक किसानों को साल में 5,000-6,000 या मंथली बेसिस में कुछ प्रोजेक्ट है सर, आप डिटेल्स जानकारी सरकारी साइट से ले सकते हो। नाउ देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस काइंड ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, फ्री साइकिल, हाँ सर आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है? यस सर, दिल्ली में तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तो दे ही रहा है। हाँ, तो ये फ्री साइकिल हो, फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो या फ्री बिजली हो, जो भी हो, ये सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन इसका भुगतान जब आएगा ना सबको सबको चुकाना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे कुछ प्रोजेक्ट है, जैसे किसानों को सब्सिडी देना, किसान के पास फ्री में पैसा दिया जाता है, बट दैट इज ऑनली पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, कि भाई आपके पास अगर पैसा का कमी हो तो आपके अकाउंट में जो 5,000-6,000 जमा हो रहा है उसके बदले आप वहां से बीज खरीदो या समथिंग लाइक दैट, जो भी आप अपने खेती के लिए कर सकते हो ऐसा कुछ करो। ऐसे किसान सम्मान निधि, ऐसे बहुत सारा प्लान सरकार करते हैं, लेकिन ये एक प्रोडक्टिव वे में है। अगर इसको प्रोडक्टिव वे में किया जाता है कि नहीं जाता, इसके लिए टीम है जिसको देखना चाहिए,
कि किसान कितना प्रोडक्टिव है, हम इसको लगा रहे हैं, लेकिन किसान जो ओरिजिनल किसान है, जो ओरिजिनल फार्मर है, वो जरूर लगाएगा, ठीक है। लेकिन बात है कि प्रोडक्टिव वे में आप कुछ पैसा दो तो सही है, बदले में कुछ मिले। जैसे फ्री में लड़कियों को दिल्ली में बस में चढ़ा के, दिल्ली जैसे एक स्ट्रांग इकोनॉमी को, वहां पर लड़की फ्री में बस में चढ़ के क्या करेगा? 10%, 12%, 5%, 7% जो भी फेयर है लो ना। क्यों गवर्नमेंट खुद के ऊपर प्रेशर लेना चाहता है और पब्लिक क्यों ऐसे स्कीम में वोट देना चाहेगा? इट्स अ बिग क्वेश्चन। लेकिन पब्लिक को तो हर चीज का फ्री चाहिए, तो लाइन लगा देता है। अभी भारत को पब्लिक को समझना चाहिए कि वो श्रीलंका जैसा हालत देखना चाहते कि नहीं चाहते, ठीक है। अगर देखना पसंद करेगा तो देखते रहिए, ठीक है। पाकिस्तान कंगाल के हालत में है। जैसे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है तो लोग चिल्लाना चालू करते हैं। अब पेट्रोल डीजल का दाम सरकार जो भी करता है ना, टैक्स लेते हैं। इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, न्यू दिल्ली भी पेट्रोल डीजल पर टैक्स लेते हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट इसमें एक्साइज लगाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का बात करो, मोदी सरकार, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट जो भैट लेता है, तो फिर क्या, जैसे दीदी चिल्ला रहे हैं या फिर और भी स्टेट के बारे में लोग चिल्ला रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का दाम हाई हो रहा है, कुछ कीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन क्या पब्लिक को पता है? हाँ, लेकिन क्रूड ऑयल का दाम कम है, आई एग्री विथ यू स्नेहसिस, बट देयर इज अ बिग पॉइंट। पुराना लोन है, उसका कहाँ से पैसा लाएगा ये बता मुझे। 1.3 बिलियन से भी पुराना, ट्रिलियन का कुछ आसपास का लोन है, बॉन्ड है, लोन मतलब बेसिकली अब तुम कुछ कर नहीं सकते इसमें। तो फिर क्या स्टेट गवर्नमेंट भैट लेना बंद करेगा? प्लीज टेल मी। क्या स्टेट गवर्नमेंट 30% भैट लगाते हैं पेट्रोल के दाम पे, कम करेगा? अब इसका एक ही फाइट करने का उपाय है, सिर्फ एक दूसरे को दोष देने से इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकता। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को दोष देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं, दैट इज नॉट द वे। सबको मिलजुल के देखो भाई, जब इंटरनेशनल लेवल में प्रॉब्लम होता है, जैसे भारत का पुराना लोन है, जैसे पाकिस्तान का क्या प्रॉब्लम जानते हो? कोई कोई बोलता है पाकिस्तान में पेट्रोल का दाम कम है। पाकिस्तान गवर्नमेंट का मार्केट लोन का हालत पता है किसी को? पाकिस्तान में सिर्फ सियासी खेल चलता है, सियासी समझते हो ना, सत्ता का खेल चलता है। आप देख रहे हो ना पाकिस्तान में इमरान खान का हालत, हाँ, श्रीलंका का हालत देख ही रहे हो। मतलब वो लोग सिर्फ सत्ता पाने के लिए इकोनॉमी को, फाइनेंशियल कंडीशंस को खत्म कर देता है, लेकिन पब्लिक को तो सिर्फ दाम बढ़ा और कमे पे पूरा का पूरा ध्यान है। अरे भाई, पब्लिक भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहिए या सिचुएशंस को समझना चाहिए, और उससे भी बड़ी बात, देश में प्रोडक्शन में बढ़ोतरी करना चाहिए, काम करना चाहिए। गवर्नमेंट पब्लिक को ये बोलना चाहिए सरकार को कि भाई हमें कुछ ऐसा हिसाब किताब दो जिसमें हम हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ा पाए। लोकल प्रोडक्शन बढ़े तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो सकता है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा तो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने पर भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक ये बात नहीं करता है, और ना ही स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मिलजुल के इस मैटर को समझने का काम करता है। सब एक दूसरे को दोष देने पे लगे रहते हैं, बट दैट इज नॉट द वे टू सॉल्व द रियल प्रॉब्लम। फाइनेंशियल क्राइसिस आप इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। जो पुराना लोन है उसके लिए सरकार कहां से पैसा लाएगा? हमारा टैक्स का पैसा ही लेगा ना, और स्टेट गवर्नमेंट अपना भैट छोड़ दे फिर पेट्रोल डीजल और दारू पे, मानेंगे फिर? लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कहां जाएगा फिर? उसका भी तो इतना बड़ा स्टेट है, उनको भी तो लोगों को सैलरी देना पड़ता है। देयर इज अ बिग क्वेश्चन, ये खर्चे को सर कमाते होंगे। एग्जैक्टली, आप जैसे बेकार खर्चे को कमाते होंगे, ये बेकार खर्चे। हां, फ्री वीज कम करना होगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना होगा, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। आपके घर में अगर खर्चा ज्यादा होता है तो आप क्या करोगे? इससे उससे टैक्स लगाओगे क्या? या फिर अपने घर में जो कर्मचारी हैं उनको बोलोगे भाई तुमको पैसा नहीं देंगे, या फिर काम देने के लिए टैक्स देना होगा, ऐसा करोगे क्या? आपके घर में प्रॉब्लम हो तो आप अपना इनकम को बढ़ाने का कोशिश करोगे, और क्या उपाय है? या फिर अपने खर्चा को कम करने का कोशिश करोगे? तो जैसा घर वैसा सरकार, देश का भी सेम ही बात है ना। दोनों में से कुछ करो, या तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ या फिर खर्चा कम करो। आपके पास है नहीं, आपके पास पैसा नहीं है, आप फ्री वीज देने का वादा करते हो। जैसे रिसेंटली आपने जो पंजाब में जीता, हाँ, आपने क्या वादा किया? आते ही फ्री बिजली देंगे, फ्री बिजली। अरे क्यों क्यों देना है फ्री बिजली? कहाँ से दोगे फ्री बिजली?
बेसिकली सरकार वो पैसा देगा, अब फ्री बिजली क्यों दोगे, क्या मतलब है इसका? दिस इज नॉट फीजिबल फ्रॉम इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आप बेसिकली खून को ही चूज लेते हो सर ऐसे चीजों पे ना। वो अपोज करना चाहिए शिक्षित लोगों को, एजुकेटेड लोगों को ऐसे चीजों पे अपोज करना चाहिए, लेकिन एजुकेटेड लोग इसमें और ज्यादा खुशी मनाते हैं। छोड़ो सर, चलो आपको मैं थोड़ा सा लाइफ ब्लड क्यों फाइनेंस लाइफ ब्लड है इसको बताने के लिए, सरकार अगर लोन देता है तो उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट, एक दूसरे के साथ लड़ के कोई मतलब नहीं है सर, ठीक है। मैं कभी आपके साथ डिटेल चर्चा और कर लूंगा, मतलब क्यों श्रीलंका पाकिस्तान क्यों बिक गया है, श्रीलंका क्यों बिक गया है, श्रीलंका अभी भारत हेल्प कर रहा है बट क्यों बिक जाते हैं, बिकॉज इनको सिर्फ सियासी खेल है, सिर्फ सत्ता का नशा है, कौन गद्दी में बैठेगा, ये चीज खतरनाक है सर। कल सबको लाइन लगना पड़ेगा जैसे श्रीलंका का हालत हुआ है, और जब तक भारत चावल ना भेजेगा श्रीलंका के लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, ऐसा हालत किसी के लिए अच्छा नहीं है। मतलब बंगाल के लिए भी कभी ऐसा हालत नहीं होना चाहिए कि दिल्ली खाना भेजेगा तब भारत बंगाली को खाना मिलेगा, ऐसा हालत नहीं होना चाहिए। दुनिया का सबसे फर्टाइल लैंड में हम लोग खड़े हैं, वेस्ट बंगाल इज द मोस्ट फर्टाइल लैंड इन इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट, पहले बांग्लादेश और बंगाल मिलके दुनिया का सबसे फर्टाइल लैंड हुआ करता था, ठीक है। तो इतने फर्टाइल लैंड में होके अगर हमारे यहाँ पर मुश्किल बढ़ता है, इसका मतलब हमारा प्रोडक्टिविटी इशू है, और ऐसे इशू को बढ़ावा देना सही बात किसी भी एंगल से नहीं है सर। चाहे स्टेट हमारा ही है ना, हम सबका है, तो हमें ये सब चीज ध्यान देना चाहिए। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट सर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पॉलिसी, ठीक है, चाहे वो कोई भी करे, कोई भी। अगर किसी स्टेट में बीजेपी है और वो भी फ्री बीज दे रहा है तो वो भी खराब कर रहा है, ठीक है, तो सिचुएशंस को समझना होगा। प्रॉब्लम क्या है ना, आज अगर एक पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिकल पार्टी फ्री बीज दे रहा है ना, फिर कल जो दूसरा पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आना चाहेगा, डेमोक्रेसी है, लड़ाई तो चलेगा, फिर वो और बड़ा वादा करेगा। कोई आज बोल रहे कि मैं बिजली फ्री कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट बार कोई बोलेगा कि सबके घर में एसी लगवा दूंगा। आप समझ रहे हो ना, डिमांड बढ़ाने के लिए, वोट पाने के लिए लोग ऐसे ही बात करेगा, सबके घर में एसी लगा दूंगा, अब सब एसी घर पे लगाएगा बोल के वोट दे देगा। मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट ही गलत है, ऐसे कॉन्सेप्ट में सब खत्म हो जाएगा। चलो सर, हम लोग लॉ में आ जाते हैं। आई होप कि मैं आपको फाइनेंस का एक अच्छा खासा पिक्चर आपके मन में बैठा पाया, ठीक है, कि फाइनेंस कितना इंपॉर्टेंट है और कितना वाइटल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस फॉर एनी कंट्री। क्या रे, इतना तो समझ में आया होगा, प्लीज टेल मी सर। ঠিক না, যেহেতু মানুষের সবকিছুই মানে একদম কোমর ভেঙে দিচ্ছে হিসাব মতন, তার জন্য সাবসিডি দেওয়া উচিত নয়। একদিকে বলছে ঠিক, বলছে কারণ আমাদের দেশের অর্থনীতির যে অবস্থা, ভান্ডারের যে অবস্থা, সে টাকাটা জমা হচ্ছে, সেখান থেকে আর্ধেক টাকার মতো নিয়ে চলে যাচ্ছে মেহুল চোকসি, বুঝায় মানে আমাদের লোকরা বিভিন্ন প্রচুর টাকার লোন নিয়ে বিদেশ চলে যাচ্ছে, তার দেশের লোকের টাকা এমনিই গেল। যে দেশের প্রধানমন্ত্রী মানে কোন পলিটিক্যাল ভিউ না, এটা জাস্ট একটা আর্টিকেল বলেছি, দেশের প্রধানমন্ত্রী 24,000 কোটি টাকা দিয়ে প্লেন কিনছে, 10,000 কোটি টাকা দিয়ে দেশের মূর্তি বানাচ্ছে, সেই দেশে মানুষ খেতে পাচ্ছে না। সেই জায়গায় 24,000 কোটি টাকা দিয়ে যদি প্লেন চড়তে পারে দেশের প্রধানমন্ত্রী, সেখানে একটা আমাদের দিল্লি সরকারের প্রধান মানে সিএম যে আছে, সে 9,000 কোটি টাকা দিয়ে মানুষ কাটালে সাবসিডি দেবে না কেন? 24,000 কোটি টাকা দিয়ে প্লেনটা কেনা জরুরি না, 9,000 কোটি টাকা সাবসিডি দিয়ে, 9,000 কোটি টাকা সাবসিডি দিয়ে তোমার ইলেকট্রিসিটি ফ্রি করা সেটা জরুরি। এই কন্ডিশন না, তোর কথাটা আমি বুঝলাম। তুই যদি এখন আমাকে আনন্দবাজার পড়তে মানে তোর কি বলে বেতন দেবারই কি দরকার আছে? যে দেশে মানুষ খেতে পায় না সে দেশে, তাই না, সে দেশে প্রফেসর বা স্কুল টিচারদেরকে লাখ লাখ টাকা বেতন দেবারই কি আছে? তা তো অনেক প্রশ্ন আছে, তাই না, অনেক প্রশ্ন আছে।
প্রাইম মিনিস্টার 24,000 ক্রোড এর প্লেনে এই জন্য চড়ে বিকজ প্রাইম মিনিস্টারের প্লেনে এত সিকিউরিটি দরকার হয় একটা দেশের প্রাইম মিনিস্টারের, নট জাস্ট ফর ইন্ডিয়া, এটা একটা বলে রাখি, এটা মানুষ বোঝে না। এটা যেই প্রাইম মিনিস্টার হোক, আজকে কংগ্রেসের প্রাইম মিনিস্টার হোক বা এটা মতলব কংগ্রেস কা হো ইয়া বিজেপি কা হো ইয়া সিপিআইএম কা হো, কিসি কা ভি প্রাইম মিনিস্টার বনে হামারে দেশ মে, বাট উসকা সিকিউরিটি ইজ আ বিগ থিং, ইজ আ বিগ চ্যালেঞ্জ, কুছ ভি হো সকতা হ্যায় আসমান মে। ইউ ডোন্ট নো কি এক দেশ কা, আজ আগর প্রাইম মোদি জি কা কুছ হো যায় ইয়া ফির কল আগর মনমোহন সিং কা কুছ হো জাতা, ঠিক হ্যায়, তো ইটস আ বিগ থ্রেট ফর আস। জেসে রিসেন্টলি হামারে ডিফেন্স কে জো সবসে বড়ে অধিকারী হ্যায় উনকা কুছ প্রবলেম হুয়া, তো ইন লোগো কো সবসে বেস্ট চিজ দিয়া ইসলিয়ে জাতা হ্যায় বিকজ দে ওর্থ ইট, দে ওর্থ ইট। तो आप इनके डिफेंस, बिकॉज दुनिया बहुत खतरनाक सिचुएशंस में है, आप ये सब्सिडाइज्ड इकोनॉमी को अगर आपको डिबेट लड़ना ही है ना, तो सब्सिडी के साथ आप प्रोडक्शंस के साथ बात करो, प्रोडक्टिविटी एंड सब्सिडी में बात करो आप, ठीक है, ये उचित डिबेट होगा। इसके साथ देश का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप या फिर, तो फिर रोड बनाने की जरूरत नहीं है, फिर आप लोगों को पहले खाना बांटो बाद में रोड बनाना, फालतू डिबेट, फोर लेन सिक्स लेन रोड भी क्यों बनेगा फिर, पहले लोगों को खाना बांटो, तो दैट इज नॉट द प्रॉपर डिबेट। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो बन रहा है ये भी एक अपने जगह में जरूरत के हिसाब से बन रहा है, टूरिस्ट अट्रैक्ट करेगा, इंटरनेशनल एक भाव बढ़ेगा, जैसे लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने जाते हैं वैसे लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने भी आ सकता है ना, तो दोज आर वेरी डिफरेंट पार्ट, दोज आर वेरी डिफरेंट पार्ट। ये जो पॉलिटिकल व्यू दिया है ना, इट्स अ बेसिकली इस टाइप ऑफ लेफ्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, समझ रहे ना, जिनका आज भी ऐसा कॉन्सेप्ट है कि चोल छे ना चोल बेना, मतलब प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट के साथ ये लोग कभी भी बात नहीं करता है। जैसे एक सिंपल, आप तूने सब आवाज उठाया तो मैं दो मिनट एक चीज बोलूंगा, ऐसे एक कॉन्सेप्ट है आप देखना, जो लेफ्टिस्ट है हर बात में बंद कर देता है, तभी इनका प्रोडक्टिविटी समझ में नहीं आता, ठीक है, कुछ भी होता है तो कल कारखाना यूनियन करके बंद कर देते, जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में सीपीएम के टाइम पे हमेशा हुआ है, ये हो जाए तो बंद कर दो, वो हो जाए तो बंद कर दो, ऊपर से बोलता है चोल छे ना चोल बे ना, एक एटा पार छे ना ओटा पार छे ना, तो फिर कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो रहा है, कथाटा बुझते पारलि आमार? तो एकदिके तुई बोलछिस कि ए काज पाच्छे ना, ओ वेतन पाच्छे ना, ओ पाच्छे ना, ऊपर थेके तुई बंद करछिस, तुई स्ट्राइक डाकछिस, तुई सब करछिस, then where is the productivity? My question is only about productivity, about finance, about economy. मेरा यही question है, अगर सरकार ये करने में नाकाम होता है, चाहे कोई भी government, चाहे central हो, state हो, that should be the concern for any particular government. मतलब इसमें debate करके फालतू में TV में hype बना के कौन कितना अच्छा बोला, ये चीज में I think सुधार लाना चाहिए, ठीक है, चलो थोड़ा सा political हो जा रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस बोलने समझाने गया था और पॉलिटिकल हो जा रहा है, सॉरी सॉरी, दैट इज नॉट अवर मुद्दा, चलो आ जाओ। ए सब कोई सुन रहा है ना, ठीक है, पॉलिटिकल मुद्दे से हम लोग लॉ में आ जाते हैं, ओके। अच्छा, शेयर्स एंड डिवेंचर्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विथ हेल्प इन अरेंजिंग फंड्स फॉर द कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 2013, दे आर जॉइंटली रेफर्ड टू एज सिक्योरिटीज। नो पॉइंट टू बी नोटेड सर, फाइनेंस एक्ट कंपनी एक्ट 2013 की नजर से देखा जाए तो ये सिक्योरिटी कहा जाता है, ठीक है, मतलब डिवेंचर शेयर्स ये बेसिकली सिक्योरिटी कहते हैं। नाउ शेयर्स रिप्रेजेंट ओनरशिप इंटरेस्ट इन ए कंपनी विद एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, वेयर एज डिवेंचर डिपिक्ट्स लेंडर्स इंटरेस्ट इन द कंपनी विद लिमिटेड रिस्क एंड रिटर्न। पॉइंट टू बी नोटेड सर, जो आपको मैं शुरू में बोला था, शेयर क्या रिप्रेजेंट करता है, शेयर ओनरशिप इंटरेस्ट इन ए कंपनी विद एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क एंड रिवॉर्ड, वेयर एज डिवेंचर डिपिक्ट लेंडर्स इंटरेस्ट इन दी कंपनी विथ लिमिटेड रिस्क एंड, ठीक है, मतलब जो लोन प्रोवाइड करते हैं उनका एक ही रिस्क है कि अगर लोन का इंटरेस्ट रिटर्न में नहीं मिला तो, ठीक है, बाकी बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉब्लम है इसको देखने का जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे पहले तो कंपनी को, कोई भी बिजनेस अगर मार्केट से डिवेंचर इशू करते हैं ना मार्केट में, तो सबसे पहला पैसा डिवेंचर होल्डर को ही मिलता है, यस और नो? इसको समझाने के लिए मुझे एक दूसरा एग्जांपल आपके साथ यूज करना होगा, ये पॉइंट को समझाने के लिए। शेयर रिप्रेजेंट ओनरशिप इंटरेस्ट इन द कंपनी विद एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क एंड रिवॉर्ड, वेयर एज डिवेंचर टिपिकली लेंडर इंटरेस्ट इन द कंपनी विद लिमिटेड रिस्क एंड रिटर्न। अब इसको समझने के लिए मैं कौन सा एग्जाम्पल यूज करूँ, एक बेस्ट कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है रिस्क को समझने के लिए, आपको मैं एक छोटा सा चीज बताता हूँ। ये सर कंपनी में जब कोई कंपनी को जब फाइनेंस मिलता है, ठीक है, सभी फाइनेंस है, शेयर भी फाइनेंस है,
सॉरी ये घर बन गया, कंपनी बनाना चाहिए मुझे। सर ये कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी को अलग अलग फाइनेंस के थ्रू से कंपनी को पैसा दिया गया था। जैसे मानो इन्होंने भी कंपनी को पैसा दिया, लाइन पे खड़े हो गए, इन्होंने भी कंपनी को पैसा दिया, ये भी लाइन पे खड़े हो गए, इन्होंने भी कंपनी को पैसा दिया और ये भी लाइन में खड़े हो गए। ये तीन अलग अलग इंसान हैं। सबसे पहले कौन खड़ा होगा, प्लीज टेल मी। कंपनी से जो भी पैसा रिटर्न में मिलेगा, जो भी इन्होंने फाइनेंस किया, दे ऑल आर फाइनेंसर, बट सभी का अलग अलग कैरेक्टर है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, बट तीनों का कैरेक्टर अलग है, ठीक है, जिन्होंने कंपनी को बेसिकली फाइनेंशियल हेल्प किया, ठीक है, और कंपनी को अपने बिजनेस बनाने में सुविधा दिया। बदले में कंपनी इनको रिटर्न देगा, ठीक है, बदले में कंपनी इन सभी को रिटर्न देगा, इसको भी रिटर्न में देगा, इसको भी रिटर्न में देगा, इनको भी रिटर्न में देगा, ठीक है। नाउ मेरा क्वेश्चन इज दैट, रिटर्न का पहला हक किसको मिलेगा, बताओ सर, कोई तो मुझे बताओ। सर जब फाइनेंशियल व्यवस्था तैयारी करने के लिए, हाँ, तीनों फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है, ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है, बट ए का कैरेक्टर अलग है, बी का कैरेक्टर अलग है, सी का कैरेक्टर अलग है। सबसे पहले कौन खड़ा है, सी। सी कौन है जानते हैं यहाँ पर, सी बेसिकली लोन प्रोवाइडर और डिवेंचर होल्डर। मतलब कंपनी जब बिजनेस करके रिटर्न जनरेट करने का बात करेगा, मतलब प्रॉफिट का हिस्सा, जिसको हम लोग नॉर्मली ईबीआईटी बोलते हैं, ठीक है, कंपनी का पहला प्रॉफिट जो होता है ना, वो ईबीआईटी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। मतलब बिजनेस करने के बाद कंपनी को जो पहला प्रॉफिट प्रॉपरली होता है ना, सारा फिक्स्ड एक्सपेंस, वेरिएबल कॉस्ट खर्चा करने के बाद, कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड एक्सपेंस लेस करने के बाद, कंपनी को पहला प्रॉफिट आता है ईबीआईटी। इस ईबीआईटी से कंपनी का पहला काम होता है इंटरेस्ट पे करना, जो कंपनी पहले डिवेंचर या लोन प्रोवाइडर को देते हैं, ठीक है। सो डिवेंचर का रिस्क सबसे कम है इस मैटर में, मतलब मिनिमम क्या हो गया, मिनिमम रिस्क हो गया, है ना, क्योंकि सबसे पहला हक डिवेंचर होल्डर या लोन प्रोवाइडर को ही मिलेगा। दूसरे में कौन खड़ा है बोल तो, सर प्रेफरेंस वाले, दूसरे में खड़ा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है, जो कंपनी का प्रेफर्ड शेयर होल्डर है, इक्विटी से पहले तो इनको मिलेगा, जो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंपनी को फाइनेंस किया था, ठीक है। और सबसे लास्ट में होंगे इक्विटी वाले, क्योंकि इनका जो एबिलिटी है ना, इक्विटी शेयर होल्डर जैसे लोग, जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इनका कैरेक्टर ही होता है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क के साथ आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाएं बट पैसा डूब गया, मतलब बेसिकली आपका एंटरप्रेन्योरियल जो एबिलिटी है वो खराब है। सर कैसे, सर पैसा डूबने से चिंता होने का बात नहीं है, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह मार्केट को सोचते हो, ठीक है, आप जब किसी बिजनेस में पैसा लगाओगे ना, चाहे कोई भी बिजनेस हो, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ, रिसेंट एग्जांपल, ऐसे जिन लोगों ने भी रिसेंट डेट में पेटीएम में पैसा लगाया, ये बहुत रो रहा है सर, है ना, जो लोग खबर रखते हो मार्केट का, पेटीएम का शेयर रुला दिया सर इन्वेस्टर को, क्या ये खबर है आपको? तो क्या लगता है, बच गया? और उसके बाद धड़ाधड़ मतलब आईपीओ प्राइस से धड़ाधड़ 450-500 तक गिर गया, ठीक है, लास्ट 6 मंथ्स में। अब लोगों को रुला दिया, अब जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं खरीदा बच गए, यस कंग्रेचुलेशन टू देम, जो खरीद लिया और सोच में पड़ गए कि क्या करे, पकड़ के रखे कि छोड़ दे, यहाँ पर देखना होगा एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी। सर इसको लेके आप क्या बताना चाहते हो, क्या खरीदना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए, अगर आप मुझे पूछते हो? सर अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं बोलूंगा खरीद लेना चाहिए, ठीक है, मैं तब भी बोला था खरीद लेना चाहिए जब आया था स्टार्टिंग में, बट मैं बोला था लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 6 महीने 7 महीने या 1 साल के लिए नहीं, 4 साल 5 साल, ठीक है, लंबा सोचोगे तो खरीद लो, नो डाउट जितना भी डाउनफॉल हो, लेकिन हाँ वैल्यूएशन ज्यादा था, इसके बारे में भी मैंने क्लास में बोला था कि अगर 1000 के अंदर होता तो बहुत अच्छा प्राइस होता, बट 1000 से बहुत ज्यादा है, डबल है, सो मार्केट गिरने के बाद भी कोई खरीद सकते हो सेकेंडरी मार्केट में, ऐसा भी बोला था, बट हाँ इतना गिरेगा कि मैंने भी सोचा नहीं था, ये मैं जेन्युइनली बोलता हूँ, मैं सोचा था कि गिर सकता है 1500-1200 हो सकता है, बट 450-500-600 के आसपास आएगा, ऐसा मैंने भी प्रेडिक्शन नहीं कर पाया था, इतना नहीं हुआ था। नाउ पॉइंट इज दैट, सर क्या लगता है
कि पेटीएम में इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं अभी भी बोलूंगा करना चाहिए, बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज पेटीएम जैसा बिजनेस में अभी प्रॉफिट होना बाकी है, इसका बिजनेस मॉडल अभी भी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, बट इसका फ्यूचर अच्छा है। बट हाँ, अगर बिजनेस रिस्क हर चीज में, देखो एंटरप्रेन्योरशिप है सर, रिस्क तो है। आप अगर पेटीएम में पैसा लगा रहे हो, मतलब इसका मतलब है आप पेटीएम का इक्विटी खरीद रहे हो, और इसका मतलब ये है कि विजय शेखर शर्मा, हु इज द सीईओ और ओनर ऑफ दिस कंपनी या इन्वेंटर और प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी, साथ में कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स तो है ही, ठीक है, तो विजय शेखर शर्मा के पैरेलल लाइन पे आपको सोचना होगा, या उनसे भी बेहतर सोचना होगा। हो सकता है विजय शेखर शर्मा ने बिजनेस को बनाया, बट आप जब किसी भी शेयर को परचेस करते हो तो आपको उनके पैरों में पैर लगा के सोचना होगा कि भाई सोचो कि क्या इस बिजनेस पे दम है या नहीं है। तो अगर आपका इक्विटी फेलियर होगा, ये आपका एंटरप्रेन्योरियल रिस्क है, एंड दैट इज रियली रिस्की, इट्स रियली रिस्की। मतलब अगर आपका बिजनेस एनालिटिकल पावर कम हो जाता है तो आपका पैसा मार्केट में आप गवाओगे, और अगर आपका एनालिटिकल पावर अच्छा होता है तो आप मार्केट में बन जाओगे। सर जैसे एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जिन्होंने देख लिया बन गया, जो नहीं देख पाया नहीं बन पाया। जैसे रिसेंट ट्रेंड में फ्यूचर ग्रुप या बिग बाजार नहीं बन पाए, रिलायंस कम्युनिकेशन खत्म हो गया, यस बैंक सिचुएशंस खराब में आ गए, ठीक है। सर बन पाया ऐसा कुछ नाम बताओ, डी मार्ट, ठीक है, 2-3 साल पहले जिन्होंने डी मार्ट में पैसा लगाया था, ठीक है, बन लिया, ठीक है। ये सब क्लास में, स्टॉक मार्केट क्लास में हम लोगों ने स्टार्टिंग दिन से बात कर रहे हैं। 300 का चल रहा था जब मार्केट में आया था आईपीओ में, एक दिन में डबल हुआ था 600, उसके बाद रुकने का नाम ही नहीं लिया, ठीक है। रिसेंटली थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा है 5000 के बाद से, ठीक है, बिकॉज अभी मार्केट में उतना अदानी तो भले अच्छे, हां अदानी बेलमार्क, यस बिल्कुल सर, ठीक है, अदानी बेलमार्क, लेकिन अभी फ्रीज हो गया, हां अभी डाउन होगा क्योंकि ये फ्रीज मतलब अपना अपर सर्किट छू गया, इसलिए देखो फ्लैट हो गया, ट्रेड नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अभी रिस्की पोजीशंस पे हैं, ठीक है, अभी परचेस नहीं करना चाहिए, थोड़ा और गिरने दो फिर परचेस करना चाहिए। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो आपको बेसिकली एंटरप्रेन्योरियल स्किल के अंदर सोचना चाहिए सर, ठीक है, आपका सोच एंटरप्रेन्योरियल स्किल के अंदर होना चाहिए, तभी जाके आप एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ इक्विटी के साथ जा सकते हो। तो सर ये जो लाइन मैंने आपको बता रहा था, शेयर रिप्रेजेंट ओनरशिप इंटरेस्ट इन अ कंपनी विद एंटरप्रेन्योरियल रिस्क एंड रिवॉर्ड, वेयर इज डिवेंचर डिपिक्स लेंडर्स इंटरेस्ट इन द कंपनी विद लिमिटेड रिस्क एंड रिटर्न। तो शेयर वाले का क्या है ना, ओनरशिप इंटरेस्ट होते हैं जिनका, एंटरप्रेन्योरियल रिस्क होते हैं, और जिनको रिवॉर्ड जो मिलता है उसी हिसाब से मिलता है, और डिवेंचर क्या क्या है, वो लिमिटेड रिस्क एंड रिटर्न के साथ आते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्यों लिमिटेड है, बिकॉज उनको एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी देखने का नहीं पड़ता। तो सबसे लास्ट में इक्विटी को ही मिलता है, लेकिन अगर ज्यादा कमाएगा तो ज्यादा इक्विटी को ही मिलेगा। लोन वाले को मतलब डिवेंचर वाले को या लेंडर्स को, मतलब जो लोन देता है कंपनी को या डिवेंचर जो देता है कंपनी को, इनको तो फिक्स मिलता है ना सर, 10% बोला था तो 10% ही मिलेगा, 11 बोला था तो 11 ही मिलेगा, लेकिन इक्विटी अनलिमिटेड कमा सकता है। यस और नो, प्लीज टेल मी सर। On the liability side of the issuer company and on the asset side of the investors, ठीक है, investors अपने asset side में देखता है जो invest करते हैं company में, और जो issuer company है मतलब जिन्होंने share issue किया या debenture issue किया, वो अपने liability side में capital के हिसाब से दिखाते हैं, and lender respectively, मतलब investors और lender अपने asset में दिखाएगा। जैसे bank के लिए loan जो है, जो bank loan या advance करते हैं, ये bank के लिए asset है। I hope you understand। अगर आप एक debenture holder हो तो आपके लिए, आप जो लोन प्रोवाइड कर रहे हो ना, वो आपके लिए एसेट्स है, ठीक है। सो इन्वेस्टर के लिए, लेंडर के लिए एसेट्स है, पर जो इशू कर रहे हैं उनके लिए लायबिलिटी है। आई होप दिस इज क्लियर सर। हेलो क्लियर है कि नहीं बोलो तो सही। बोझा अच्छे की अच्छे ना, कोई कनेक्टेड है नहीं क्या, आवाज नहीं आ रहा किसी का।
রশ্মি, জ্যোতি, শিবম, নবনীল, বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ স্যার। अब आगे चलिए लीगल प्रोविजंस में फटाफट आते हैं। लीगल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इंस्ट्रूमेंट्स आर कवर्ड अंडर चैप्टर 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंप्राइजिंग सेक्शन 43 टू 72 एंड द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल 2014 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम अलोंग विद द एंडोर्समेंट इन द कंपनी फॉर्मेशंस डॉक्यूमेंट्स आर अप्रूव्ड एट द सुइटेबल कंपनी फोरम व्हेनेवर व्हेरेवर नेसेसरी। ओके ओके चलो देखते हैं। शेयर कैपिटल टाइप्स सेक्शन 43 शेयर कैपिटल के टाइप के बारे में बात करता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 डिफाइंस शेयर्स एज ए शेयर्स इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। ठीक है, स्टॉक को भी शेयर कहा जाता है, मतलब बेसिकली जब शेयर्स कंपेरेटिवली मतलब काउंटिंग में ज्यादा हो तो वो स्टॉक हो जाता है। द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स हैविंग अ सर्टेन फेस वैल्यू। तो हर एक शेयर का एक फेस वैल्यू होगा। ईच यूनिट इज टर्म्ड एज शेयर्स। ओके, हर एक यूनिट को शेयर कहा जाता है। ठीक है, ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ कैपिटल को शेयर कहा जाता है, डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। ठीक है, शेयर कैपिटल का एक एक यूनिट को क्या कहा जाता है सर? शेयर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, सन बेकर्स लिमिटेड हैज ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 50 लाख। एक कंपनी है जिसका ऑथराइज कैपिटल है 50 लाख का। द फेस वैल्यू ऑफ ईच यूनिट ऑफ कैपिटल ऑफ शेयर इज 10 रुपीज। तो फेस वैल्यू कितना है? 10। In this case, it can be said that the company has 5 lakh shares of rupees 10 each. मतलब क्या किया सर? 50 lakh share को, share capital को 10% से divide कर दिए, तो कितना हुआ? पांच लाख हुआ, है ना सर? It can be said that the company has 5 lakh shares of rupees 10 each. तो आप लोग accounts में देखते हो, है ना? Accounts में जब भी आप company के balance sheet बनाते हो, ठीक है? तो तब आपको इस तरह से हिसाब करना पड़ता है। तो व्हेन दिस शेयर्स आइदर इन पार्ट और होल आर अलॉटेड टू वेरियस पर्सन दे ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट बिकम शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो जिस दिन जैसे अलॉटमेंट हो जाते, जैसे आईपीओ वगैरह में मैं आपको लास्ट चैप्टर में बताया था प्रॉस्पेक्टस में, है ना, वहां पर आप लोगों ने देखा था अलॉटमेंट के बारे में। तो वेरियस पर्सन अलॉटेड टू वेरियस पर्सन कंपनी अपने शेयर्स वेरियस पर्सन को प्रोवाइड करते हैं, FII, DII, रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो वो क्या बन जाते हैं? कंपनी का शेयर होल्डर बन जाते हैं। क्या सर? ये तो बड़ा सिंपल बात हो गया ना, प्रॉस्पेक्टस वगैरह पढ़ के आए तो एकदम सिंपल सिंपल लग रहा होगा। ओके, डेफिनेशन ऑफ शेयर स्टेट्स दैट द टर्म शेयर इंक्लूड स्टॉक। इफ अ कंपनी अंडरटेक्स टू एग्रीगेट द फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ वेरियस मेंबर्स एज पर देयर रिक्वेस्ट एंड मर्ज दोस शेयर्स इनटू वन फंड देन सच फंड इज कॉल्ड स्टॉक। सो क्या स्टॉक क्या हो गया आपको? आप लोग, हम लोग मार्केट में दोनों वर्ड यूज करते हैं, हाँ सर, एक हम लोग शेयर मार्केट भी बोलते हैं और हम लोग स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज अ टर्म कॉल्ड शेयर मार्केट एंड स्टॉक मार्केट। द डेफिनेशन ऑफ शेयर स्टेट्स दैट द टर्म शेयर इंक्लूड स्टॉक। ओके, इफ ए कंपनी अंडरटेक्स टू एग्रीगेट द फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ वेरियस मेंबर्स एज पर देयर रिक्वेस्ट एंड मर्ज दोस शेयर्स इनटू वन फंड, जो पूरे के पूरे शेयर्स को एक पर्टिकुलर फंड में बदल देते हैं जो कंपनी पर्टिकुलर वे में यूज करते हैं, देन दैट पर्टिकुलर फंड इज कॉल्ड स्टॉक। That is why we also termed share market as a stock market. In simple words, we can say that stock is a collection or bundled of fully paid up shares. ठीक है, simple term में क्या बोल सकते हैं? Fully paid up shares का collections और bundle को stock कहा जाता है। According to section 61, subsection 1, clause C, a limited company having a share capital after completing certain formalities can convert all or any of its fully paid up shares into stock and reconvert that stock into fully paid up shares of any denominations. Stock is stated in lump sum, whereas shares being smallest unit in having face value. Originally, shares are issued to the shareholders, while in case of stock, the fully paid up shares of the members are converted into stock afterwards. बाद में होता है. The stock is not issued originally, but is obtained by conversion of fully paid up share. तो actually company कभी भी stock issue नहीं कर सकता जब शेयर्स इशू करता है, और जब पूरा का पूरा शेयर फुल्ली पेड अप हो जाता है तो वो स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या आपको स्टॉक वर्सेस शेयर्स क्लियर हुआ? ज्योति, रोशनी बोलो सर, शिवम, संपद, स्टॉक वर्सेस शेयर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नवनील बोलो। हाँ यस, ठीक है सर।
फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट्स काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, कितना तरह का शेयर कैपिटल है सर, पहले ही बात कर चुका मैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, ठीक है सर। इक्विटी में क्या है, वोटिंग राइट्स मिलता है क्या, यस इक्विटी का ही वोटिंग चलता है, इक्विटी ट्रू ओनर होते हैं, ट्रू ओनर तो इनका वोट का मायने होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो स्टॉक मार्केट में हम लोग शेयर खरीदते हैं ना वो ट्रू ओनर है और हम लोग इक्विटी शेयर है सर। अब वोट हर कोई नहीं दे पाता बिकॉज कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग होने से तभी आपका वोटिंग पावर का कुछ मायने रखता है, बिकॉज वोटिंग अल्टीमेटली परसेंटेज ऑफ होल्डिंग के ऊपर आता है, ठीक है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स, ठीक है, वो वोटिंग का अलग चैप्टर है मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पर आपको मैं वोट के बारे में बात कर लूंगा, या जिन लोगों ने करके आया उनको पता है मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर में विद वोटिंग राइट्स। और एक चीज है सर, डीवीआर, डीवीआर क्या होता है, डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड, डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड, वोटिंग और अदरवाइज। ओके, प्रेफरेंशियल कैपिटल कैरीज प्रेफरेंशियल राइट, क्या प्रेफरेंस वाले वोट देते हैं सर, प्रेफरेंशियल वोट होता है इनका, इनका मतलब पर्टिकुलर प्रेफरेंशियल मैटर में वोट हो सकता है, बट नॉट मतलब नॉट लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है। तो इनका प्रेफरेंशियल राइट होता है, जिनको प्रेफर पेमेंट जो डिविडेंड जो होता है, ठीक है, प्रेफरेंस वाले को जो डिविडेंड मिलता है, ठीक है, वो प्रीफिक्स्ड होता है 10%। इसलिए देखना क्वेश्चंस वगैरह करने के टाइम पे आप देखिएगा ऐसे लिखा रहता है 10% प्रेफरेंस डिविडेंड, 14% प्रेफरेंस डिविडेंड, ऐसा ही क्वेश्चन में किए होंगे आप लोग, ये सुन लो अकाउंटेंसी में जब आपके सामने क्वेश्चन होता है प्रेफरेंस डिविडेंड के पहले परसेंटेज लिखा रहता है, क्या आप लोगों ने कभी देखा? हेलो अरे हाँ या ना बोलो, देखा कि नहीं देखा? प्रेफरेंस के पहले एक परसेंटेज लिखा रहता है अकाउंट्स में जब क्वेश्चन करते होंगे, यस है ना। सो 10% प्रेफरेंस डिविडेंड, 14% प्रेफरेंस डिविडेंड, ये बेसिकली प्रेफरेंस डिविडेंड का प्रीफिक्स्ड है। तो क्या बोला, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब बिजनेस बंद होता है तब भी प्रेफरेंस वाले को इक्विटी से पहले हक होता है, बट डिबेंचर के बाद हक होता है, ठीक है, इनका राइट बाद में आता है। Two kinds of share capital. Broadly, there are two, equity and preference. बार बार बोल रहा हूँ। Act defines preferential capital as instrument which a preferential right to dividend payment. पहले मिलेगा। Absolute, fixed or ad valorem. ठीक है, मतलब जरूरत के हिसाब से ad valorem percentage बढ़ सकता है, ठीक है। And preferential repayment during winding up of the company. जब company बंद होता है ना, तो सबसे पहले debenture holder, ठीक है, company का close होता है, या क्लोज होना मतलब बेसिकली वाइंड अप होना, बंद होना, ठीक है, वाइंड अप होता है, तो उस टाइम पे कंपनी पे लाइन लगते हैं जो लोग कंपनी को पैसा दिया है, तो सबसे पहले लोन वाले, ठीक है, लोन होल्डर जो है कंपनी का, वो सबसे पहले लाइन लगते हैं। सेकंड में प्रेफरेंस मिलता है, शेयर होल्डर में से प्रेफरेंस मिलता है प्रेफरेंस वाले को, ठीक है, उसके बाद अगर कुछ बचता है तभी इक्विटी वाले लाइन पे लगता है। सो प्रॉफिट खाने के टाइम पे इक्विटी को ज्यादा फायदा, बट ऐसे सिचुएशन पे प्रेफरेंस वाले को ज्यादा फायदा, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्रेफर्ड। ओके, एंड प्रेफरेंशियल रीपेमेंट ड्यूरिंग वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, द शेयर होल्डर्स कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन इक्विटी पूल पोस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल एंटरटेनमेंट्स, ठीक है, द शेयर होल्डर्स कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन इक्विटी पूल पोस्ट द प्रेफरेंशियल एंटरटेनमेंट, मतलब प्रेफरेंशियल बाद में इक्विटी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, जिसको कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल होल्डर भी कहा जाता है, ठीक है। शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंशियल्स, जो प्रेफरेंस, अच्छा व्हाट इज इक्विटी शेयर्स, जो प्रेफरेंस नहीं है वही इक्विटी है सर, यही बोला है लॉ में, ठीक है। तो पहले आपको प्रेफरेंस शेयर बताना पड़ेगा और फिर बताना होगा शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स आर टर्म्ड एज इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्लेन वैनिला, सेम वोटिंग राइट्स, प्लेन वैनिला का मतलब होता है सेम वोटिंग राइट्स, और डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड और वोटिंग राइट्स और अदरवाइज। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43, द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स शैल बी टू काइंड, सर ध्यान से सुनना, लिमिटेड बाई शेयर्स क्या होता है, मैं बेसिक्स में बता के रखा हूँ, फिर से और बोलने का जरूरत नहीं है, ठीक है। लिमिटेड बाई शेयर्स जो है, एक होता है अनलिमिटेड, एक होता है लिमिटेड, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में विद वोटिंग राइट्स भी होते हैं, डिफरेंशियल राइट्स भी होते हैं, एज टू डिविडेंड के केस में वोटिंग और अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज मी प्रिस्क्राइब्ड, मैं आगे आगे आपको डिफरेंशियल राइट्स और नॉर्मल वोटिंग में डिफरेंस बताऊंगा। एंड देयर इज अनदर पॉइंट इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो चलो आगे देखते हैं।
Nothing contained in this act shall affect the right of the preference shareholder who are entitled to participate in proceeds of winding up before commencement of this act. Equity share capital for the purpose of section 43 with reference to any company limited by shares means all share capital which is not preference share capital. And preference share capital with reference to any company limited by shares means that that part of issued share capital of the company which carries would carry a preferential right with respect to payment of dividend either as a fixed amount or an amount calculated at a fixed rate which may either be free or subject to income tax. Kabhi kabhi free bhi hota hai, kabhi income tax ke saath bhi hota hai. Normally tax dene ke baad aapko dividend diya jayega. Theek hai, because shares jo hai na, shares hamesha post tax hi hota hai. Ye sab baat finance mein bahut acche se samajh mein aayega aapko. Ya fir agar main aapko ek financial statement dikhaun to aapko aur clarity ho jayega. आपको मैं एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी कंपनी का दिखाऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि शेयर्स हमेशा चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हो इक्विटी शेयर्स हो ऑलवेज पोस्ट टैक्स ही होता है. जस्ट लुक एट द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपनी एंड लुक एट हियर. सर सुन बोल सर যখন ধরুন কোম্পানি বিজনেস করার পরে ধরুন प्रॉफिट না করে লস করলে সেই ক্ষেত্রে তাহলে তখন কি তাকে তো ধরুন এই যে মার্কেট যেটা ধরুন কেউ যে সিকিউরিটি লোন যেটা দিচ্ছে মানে যেটা লোন দিচ্ছে কেউ তখন তাদেরকে কি লোনটা ফেরত মানে লোন প্রোভাইড অ্যামাউন্টটা প্রোভাইড করতে হয় তখন এই লসে যায় কোম্পানি কোম্পানি লসে গেলেও লোনের ইন্টারেস্ট প্রোভাইড করতেই হবে. আর প্রেফারেন্সের ক্ষেত্রে তখন পাবে তখন তো প্রেফারেন্স মনে পাবে না. প্রেফারেন্স কে কেস মে ও কিউমুলেটিভ হয়ে সকতা হ্যায় মানে প্রেফারেন্স কে কেস মে কিউকি ও শেয়ার হোল্ডার হ্যায় ঠিক হ্যায় তো উনকে সাথ এক কন্ডিশনস মে আ সকতে হ্যায় बट आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ये मैंडेटरी है. कंपनी लॉस में भी जाए तो आपको डिवेंचर का इंटरेस्ट प्रोवाइड करना मैंडेटरी. लोन अमाउंट का पेमेंट करते ही होगा यदि प्रेफरेंस के सर अप डाउन होते ही पड़े जो तखन प्रेफरेंस के केस में सब नहीं दे पाया बाद में दे देगा. हां मतलब एक और ट्रांसफर कंडीशन आते पड़े तखन. यस टर्म्स एंड कंडीशन आते तो उनकी तरह सही क्षेत्र सर 10% কথা থাকলো সেই ক্ষেত্রে 10% থেকে ওরা মানে যারা প্রেফারেন্স পাওয়ার কথা তারা কি তখন সেটা অ্যামাউন্ট মানে পার্সেন্টেজ বাড়াতে পারে চাইলে. হ্যাঁ ওটা অ্যাজ পার কন্ট্রাক্ট যখন যখন ইস্যু হবে তখন কি কন্ট্রাক্ট হয়েছে তার উপরও ডিপেন্ড করছে. ইস্যু মানে ধরুন কন্ট্রাক্টেই থাকে যে 10% কথা ছিল কোনো কিছু দিতে না পারার কথা উল্লেখ করে নেই তাহলে সেই ক্ষেত্রে পলিসিতে যোগ করতে পারবে না. यस মানে অ্যাজ পার কন্ট্রাক্ট হবে যা কিছু অ্যাজ পার কন্ট্রাক্ট আছে সেটাই হবে. পরে যদি কন্ট্রাক্টে যদি থাকে কনভার্টিবল হবে তাহলে কনভার্টিবল হয়ে যাবে ইকুইটিতে কনভার্ট হয়ে সকতে হতে পারে. যদি বলে এনসিডি আছে নন কনভার্টিবল তাহলে কনভার্ট হবে না. যদি अगर কন্ট্রাক্ট में रहता है कि কিউমুলেটিভ है কিউমুলেটিভ मतलब अभी नहीं दे रहा है बाद में एक साथ কিউমুলেট करके देगा तो ऐसा होगा. তখন যদি উল্লেখ করতে যেতে পার্সেন্টেজ তখন ইনক্লুডিং হবে সেটা আবার হতেই পারে কি মাঝপথ থেকে ইনক্লুডিং না থাকলে সেটা কি ইনক্লুডিং করতে পারবে না সেটা ডিপেন্ড করছে কি কন্ডিশন সে ইস্যু হচ্ছে মানে कौन से কন্ডিশন में ইস্যু हो रहा है दैट्स अ बिग थिंग. यहाँ पर देखो प्रॉफिट बिफोर हाँ बोल ना सर बोलूँ ठीक है सर. यहाँ पर देख यहाँ पर ईपीएस जो है ना ये बेसिकली अर्निंग पर शेयर है ना. अर्निंग पर शेयर बेसिकली पर इक्विटी शेयर होल्डर ना. यहाँ पर प्रेफरेंस कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो प्रेफरेंस कुछ मैं मान रहता हूँ कुछ है नहीं. बट देखो सर ईपीएस देने से पहले टैक्स देना पड़ता है मतलब शेयर होल्डर को पेमेंट देने से पहले नेट इनकम कैलकुलेट करने से पहले कंपनी को टैक्स देना पड़ता है. जैसे ये अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इन्होंने 1297 करोड़ का टैक्स दिया है सरकार को 2021-22 में ठीक है. तो बिफोर यू पे योर शेयर होल्डर ठीक है बिफोर यू पे योर शेयर होल्डर यू हैव टू पे टैक्स ओके. तो शेयर जो है वो पोस्ट टैक्स आइटम है और इंटरेस्ट जो है दैट इज डिबेंचर ओके पीबीआईटी. लुक एट हियर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ठीक है. टैक्स से पहले इंटरेस्ट देखो इंटरेस्ट पीबीआईटी ये देखिए इंटरेस्ट एंड अदर आइटम्स 2255 करोड़ का इंटरेस्ट है इसका पर टैक्स से पहले दिया है ना मतलब इंटरेस्ट आपको पहले देना पड़ेगा. क्लियर है बात प्लीज टेल मी. তোমার স্যার ওটা মাইনাস করার পরে পিবিটি যেটা আছে তার উপর ট্যাক্স কাউন্টিং হবে. পিবিটি নয় প্যাট প্রফিট আফটার ট্যাক্স দ্যাট ইজ নট পিবিটি. ये পিবিটি है ठीक है. পিবিটি से ট্যাক্স চলা গিয়া তো ये हो गया প্যাট. यहां पर প্যাট बोला नहीं है दैट इज मतलब जो ইনেট ইনকাম দিখা রে দ্যাট ইজ দি অ্যানাদার নেম অফ প্যাট. যে পিবিটি যেটা দিয়েছে সেটা তো সরকারকে দিয়েছে.
পিবিটিটা সরকারকে দেয়নি, ট্যাক্সটা, প্রফিট বিফোর ট্যাক্স, প্রফিট বিফোর ট্যাক্সে ইন্টারেস্ট গিয়া, ফির পিবিটি সে প্রফিট বিফোর ট্যাক্সে নেট ইনকাম দেনে সে পহলে ট্যাক্স গিয়া, মতলব কম্পানি নে বিফোর ট্যাক্স ইনকাম কিয়া 6 to 9 to, সরকার কে ঘর মে ট্যাক্স দিয়া 1 to 9 7, 6 to 9 to সে 1 to 9 7 লেস করেগা তো নেট ইনকাম হো জায়েগা 4994, এন্ড দিস 4994 ইট ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ শেয়ারস, এন্ড দেন ইউ উইল গেট ইপিএস দ্যাট ইজ আর্নিং পার শেয়ার। হ্যাঁ স্যার, এই যে স্যার 1 to 9 7 যেটা স্যার সরকারের ঘরে দিয়েছে, সেটা কি স্যার ওই 6 to 9 2 এর উপরে কি ক্যালকুলেশন হয়েছে? 1 to 9 7, হ্যাঁ 6 to 9 2 এর উপরে, ইয়েস। বুঝতে পারলি? হ্যাঁ স্যার। तो ये है आपका इक्विटी प्रेफरेंस, ठीक है। अच्छा, रीपेमेंट इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल पेड अप और डीम्ड टू हैव बीन पेड अप, वेदर और नॉट देयर इज अ प्रेफरेंशियल राइट टू द पेमेंट ऑफ एनी फिक्स्ड प्रीमियम और प्रीमियम और एनी फिक्स्ड स्केल स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल इन द कंपनी, ठीक है। तो वो रीपेमेंट के बारे में भी काम होगा। कैपिटल शैल बी डीम्ड टू बी प्रेफरेंशियल कैपिटल नॉट विथस्टैंडिंग दैट इट इज एंटाइटल्ड टू आइदर और बोथ ऑफ द फॉलोइंग राइट्स, that is in respect of dividends in addition to preferential rights, okay। chalo ye sab to aapko samajh mein aa gaya hoga, main dusre point mein aapko leke chalta hu, equity share with differential rights। what is this differential right? rule 4 of companies share capital and debenture rule 2014 contains provision which need to followed while issuing equity shares with the differential right। there are stated as under conditions for the issue of equity share with the differential right, matlab equity share issue hota hai differential right ke liye। According to Rule 4, Subsection 1, a company limited by shares may issue equity shares। वो equity share issue कर सकता है with differential right as to dividend, voting or otherwise, if it complies with the following conditions। तो क्या क्या conditions के साथ आने से differential right मिल सकता है, ये थोड़ा जानकारी ले लो जो आपके लिए vital है। Article of Association of the company authorized the issue of shares with differential rights। मतलब Article of Association क्या है, you all know about this, मुझे फिर से बताने का जरूरत है नहीं। अगर आपको जानकारी फिर से लेना है, आप AOE का क्लास फिर से एक बार देख लो, ठीक है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी ऑथराइज द इशू ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट, अगर ये अथॉरिटी मिलता है तो इशू ऑफ शेयर्स इज ऑथराइज बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस पास्ड एट ए जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर वेयर द इक्विटी शेयर ऑफ ए कंपनी आर लिस्टेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। द इशू ऑफ सच शेयर्स शैल बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स थ्रू पोस्टल बैलेट। द वोटिंग पावर इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर विद डिफरेंशियल राइट ऑफ द कंपनी शैल नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इंक्लूडिंग वोटिंग पावर इन रेस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट इशूड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और डी, अगर ओमिटेड कुछ हो गया है, ठीक है, ओमिट मतलब बोला नहीं है, द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, अगर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में डिफॉल्ट नहीं किया है तो कर सकता है, ठीक है। डिफरेंशियल वोटिंग राइट मतलब डिफरेंट वोटिंग राइट्स भी कंपनी को आ सकता है रिगार्डिंग डिविडेंड वगैरह के केस में। The company has not defaulted in filing financial statement and annual return for 3 financial year immediately preceding the financial year। मतलब जिस financial year का बात चल रहा है in which decide to issue of such shares, उससे पहले का 3 साल में आपने कभी भी कोई return file करने में आपका कोई भी default नहीं हुआ है, ऐसे conditions अगर आप fulfill करोगे तो differential rights आपको मिल सकता है। The company has no subsisting default in payment of declared dividends to its shareholder, company का dividend payment में भी कोई default नहीं है, और रीपेमेंट ऑफ इट्स मैच्योर डिपॉजिट और रिडेम्पशन। कंपनी जो डिपॉजिट लेता है ना उसमें भी कंपनी डिपॉजिट्स भी होता है सर, ठीक है। जैसे बैंक डिपॉजिट्स होते हैं वैसे कंपनी डिपॉजिट्स भी होते हैं, कंपनी उसमें भी किसी भी तरह का डिफॉल्ट नहीं किया है, दैट हैव बिकम ड्यू फॉर रिडेम्पशन और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट्स और डिवेंचर्स और पेमेंट ऑफ डिविडेंड। द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स और रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन फॉर ए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन or state level financial institutions or scheduled bank that has become a repayable or interest payable thereon or a dues with respect to statutory payment relating to its employees to any obsolete or defaulting in crediting the amount in investors education and protection fund to central government। sir ye investor education and protection fund kis tarah se company ko milta hai ye sab baat cheet main aapko is particular lectures mein bataunga jab investor protection education fund mein baat karunga, theek hai। so मोटा मोटी आपको इतना समझ में आना चाहिए कि कंपनी को किसी भी तरह का डिफॉल्ट जो भी उसका लायबिलिटी है वो नहीं करना चाहिए, लंबा लिस्ट है। द कंपनी हैज नॉट बीन पेनलाइज्ड बाय कोर्ट, कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है, और ट्राइब्यूनल ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स ऑफ एनी ऑफेंस अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 RBI का, एंड सेबी के हिसाब से भी उनके कोई डिफॉल्ट चार्जेस नहीं है,
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के हिसाब से, ठीक है, सेबी एक्ट आजकल जो ग्रुप टू वाली या फाइनल के लिए जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको पढ़ाया जा रहा है, और SCRA मतलब सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और एनी अदर स्पेशल एक्ट अंडर विच सच कंपनीज बीइंग रेगुलेटेड बाय सेक्टोरल रेगुलेटर्स। अगर ऐसे किसी भी चीज में आपको कोई पेनल्टी नहीं है तो आपको डिफरेंशियल राइट्स मिल सकता है, ओके, रिगार्डिंग डिविडेंड वोटिंग्स एटसेट्रा। Contents of explanatory statement, Rule 4, Subsection 2 of that explanatory statement to the annex to the notice of the general meeting or a postal ballot shall contain various matters like particulars of the issue of including its size, details of differential rights, etc. क्या क्या differential right मिलेगा वो सारा का सारा mention explanatory notes के अंदर general meeting में बात कर देना चाहिए, ठीक है। Restriction on conversion of equity share capital with voting rights into equity share capital carrying differential voting right. Point to be noted, sir. Rule 4, Subsection 3 specify that the company shall not convert its existing equity share capital with voting rights into equity share capital carrying differential voting right. ये convert नहीं होता, ठीक है, जो Rule 4, Subsection 3 में कहा गया है। और disclosure in board report may be, according to Rule 4, Subsection 4, the board of directors shall inter alia disclose the specified particular in the board's report for the financial year in which the issue of equity share with differential right was completed. Right to holders the equity shares with differential right states that the holder of the equity share with differential right DVR shall enjoy all other rights such as bonus shares, rights share, ye sabhi unko milega, which the holder of equity share are entitled to subject to the differential right with which such shares have been issued. Differential right ke sath sath baki cheez ka bhi benefit unko milega jo normal equity shareholder ko bhi milta hai. The particular of shares to be maintained in the register of members, Rule 4, Subsection 6 provides that where a company issues equity share with differential right, the register of member maintained under Section 88 shall contain all the relevant particular of the share so issued along with the detail of the shareholder. So, जिसको भी differential मतलब differential voting right का मौका मिलता है, वो सारा का सारा detail Section 88 के तहत maintain करना पड़ेगा। चलो मैं आपको थोड़ा differential Tata Motors, Tata ने use किया था differential voting rights in India. देखते कुछ एग्जाम्पल मिलता है कि नहीं। अगर आज नहीं मिलता है तो नेक्स्ट दिन दिखा दूंगा। सेबी हैज अनाउंस्ड द फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक इश्यूएंस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स बाय इश्यूअर companies having promoters holding superior voting rights shares, ठीक है, superior voting rights shares crafted for long term passive investor interest in higher dividends and recurring income than in voting rights and management. Differential voting rights shares prescription in India have now been liberalized. The Security and Exchange Board of India has announced the framework for public issuance of ordinary shares by issuer companies having promoter holding superior voting rights SBR or DVR, that is differential voting rights, dated September 28, 2021. This has come in backdrop of the Primary Market Advisory Committee recommendation and the Self-Reliant India, Trinity in Ease of Business Reform, Startup India, Digital India ke hisab se. DVR ke case mein kya hota hai? DVRs are issued by the company giving an equity shareholder differential voting right, both superior and fractional right, as against simple equity share issue that operate on the principles of the one shares, one vote. The ratio of SBRs ought not to exceed 10 votes per equity share, while the ratio of fractional voting rights is one vote for 10 equity shares. One may note that DVRs trade like any other ordinary equity shares, but at a discount. ठीक है, DVRs का जो trade होता है normal share की तरह होता है, but discount में होता है. Further, no bonus is issued herein, unlike the ordinary equity share issues, and is neither issued regularly nor in systematic intervals. Promoters find it apposite to raise capital via issues of DVR in the board. Prerogatives, ठीक है, internationally where they are known as dual class shares, DCs भी कहा जाता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे examples है DVR का, there have been companies like Michelin, Berkshire Hathaway, Alphabet मतलब Google, Facebook, ठीक है, ये सभी लोगों ने DVRs वगैरह issue करते हैं, हमारे यहाँ पर 43A के तहत DVR issue किया जाता है, जिनको थोड़ा सा different kind of voting rights वगैरह मिल जाता, ठीक है, एक share के बदले में एक shares, किसी किसी केस में 10 के बदले में एक मिलता है। तो नॉर्मली डीवीआर के केस में एक शेयर के बदले एक वोटिंग राइट मिल जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको डीवीआर का सारा बात आज कर दिया। आप लोगों में बस इतना बोलूंगा कि प्लीज घर में आप इतना 43 का पूरा एरिया एक बार घर में डिस्कस मतलब पढ़ाई करो, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स के बारे में, डीमैट वगैरह के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा, सेक्शन 46, ठीक है।
इसमें नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डीमैट के बारे में बताऊंगा कि डीमैट क्या है, डीमैट कहाँ कहाँ जरूरत है, सिर्फ क्या शेयर मार्केट में डीमैट होता है क्या, दूसरे मार्केट में डीमैट के बारे में कुछ कहा है कि नहीं कहा, इसका भी जानकारी आपको मिलेगा। वोटिंग राइट्स एंड वेरिएशंस के बारे में, और जैसे कि डिफरेंस वोटिंग राइट्स के बारे में और डिटेल्स डिस्कशंस में वोटिंग राइट्स के साथ साथ करूंगा, ठीक है। तो वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर, डिफरेंस वोटिंग राइट्स, ये सभी चीज आगे और भी चर्चा चलेगा। इक्विटी प्रेफरेंस का वोटिंग राइट्स के बारे में और डिटेल चर्चा करेंगे। वेरिएशंस ऑफ शेयर होल्डर्स राइट के बारे में चर्चा करेंगे। फिर कॉल्स इन एडवांस, इंसिडेंटल मैटर, सेक्शन 49 से 51 का चर्चा होगा। काफी एग्जांपल्स भी चर्चा करना है, तो बाकी चर्चा मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में ही करूंगा सर, ठीक है। आज मैं इतना ही रखूंगा, लेकिन मैं आज इतना पूछना चाहूंगा कि आपको शेयर कैपिटल डिवेंचर में क्या आगे के बाद बात होगा, क्या आपको क्लियर हो रहा है? हाँ ज्योति, रोशनी, नवनील, संपल, ठीक है सर, नोट शेयर करता हूँ, आप लोग घर में इसको पढ़िए, ठीक है। जो जो पॉइंट मैंने पढ़ा है वो भी पढ़िए, जो नहीं पढ़ाया उसको भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास में हेल्प मिले, ठीक है। ठीक है सर, चलो फिर आज बाय, राखी दादा, ओके टाटा सर। আমাকে ওই ইনকাম ট্যাক্সের ফরওয়ার্ডের যে চ্যাপ্টারটা করেছিলেন।